हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे सब बच्चे? सो हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी, है ना? LTNS है ना, ये तो स्लैंग है, जेन जी का स्लैंग है। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्योंकि आज शुरुआत है एक नई चीज की। आज शुरुआत है बेटा अपने फेवरेट क्रैश कोर्स के। तुम जो कब से चाह रहे थे मैं वन डे में वन चैप्टर करना, और वो समय अब आया है। मैंने आपको पहले वो चीजें इसीलिए नहीं कराई बिकॉज दैट वाज नॉट द राइट टाइम। दैट वाज आई बिलीव कि अभी तुम समय दो तीन दिन तुम एक चैप्टर को दे सकते हो, अभी डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन अब जो समय है, टुडे इज 12th of मार्च, इसके बाद जितना भी समय आएगा बेटा, अब जो है वो आखिरी तैयारी है, आखिरी वार है। और इस आखिरी वार में बेटा अब हम उतर चुके हैं, ठीक है? अब मत सोचो कि कौन मेरे से आगे कौन मेरे से पीछे है। सिर्फ अब अपने बारे में सोचो, अपने आप के लिए काम करो, अपने लिए सेल्फिश हो जाओ। नो मैटर आपके आज से पहले कितने नंबर आ रहे थे, आपके टोटल में 600 आ रहे थे, 300 आ रहे थे, या 100 आ रहे थे, या फिर मे बी लेस देन 100 आ रहे थे, बेटा मैं जानती हूं अगर आप मेरे से इस आज के बाद भी, अगर आपने पहले ही पढ़ी है, आज के बाद भी पूरी बायोलॉजी करेंगे तो यार 340 से प्लस तो कहीं नहीं गए। मक्खन है बेटा मेरे स्टूडेंट्स के लिए 340 प्लस लेना। और अगर आप पूरा फॉलो करोगे, दिल जान मेहनत करोगे, सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाओगे, तो यार 360 भी पॉसिबल है। बायो एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, बायो को पढ़ाने का तरीका होता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका होता है। जो तरीका तुम्हें पता है किसके पास है? सीप मैम के पास है। बायो को पढ़ाने का तरीका होता है जिसमें बेटा एनसीईआरटी को पूरा लर्न करके दिल से बाय हार्ट आपको समझ जाना चाहिए। वो तरीका किसके पास है? अपनी क्लास के पास है, अपन के पास है। और हमने इसी तरीके से बहुत सारे रिजल्ट पास्ट में निकाले हैं, और इस साल बेटा रिजल्ट कम नहीं डबल होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बेटा अपनी सीपीएंस की आर्मी इतनी बड़ी है, दिन रात मैं जानती हूं आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेरा लिंक ट्री यूज करते हैं, उस पे जो प्रेजेंट डीपीपीज है उसको सॉल्व करते हैं, मेरे टेलीग्राम को फॉलो करते हैं, तो यार डेफिनेटली आप लोग 340-350 प्लस तो लेकर जाएंगे। तो यार अब आखिरी रिवीजन है, मुझे लगता है कि इसके बाद अब जो आएंगे ना मैराथन आएंगे, यानी कि आज से 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद अब बेटा क्या होने वाला है, मैराथन का सेशन। तो अभी लेकिन एक दिन में एक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 से। क्लास 11 का मोस्ट फेवरेट यूनिट जो तुम्हें लग रहा था कि शायद कट चुका है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कितने बच्चों को था कि यार ये चीज तो शायद कट चुकी है, फेवरेट चैप्टर था। तुम लोग रो रहे थे कि यार एनटीए को ये नहीं काटना चाहिए था, कैसे काट दिया, एक ही तो चैप्टर हमें आता था। तो यार ये इतना भी आसान नहीं है, पहली चीज। दूसरा, काटा नहीं गया है, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर तुम्हारे पास ही है। तो यार आज जिस जिसने जो जो खाया है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि जो भी खाया है आज मैं उसे तुम्हारी गट में डालकर डाइजेस्ट करवाने वाली हूं। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट, वील टॉक अबाउट ऑल द पार्ट्स, फर्स्ट द एनाटॉमी पार्ट एंड देन वील टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी पार्ट, ठीक है? एक तो ये सरप्राइज था, दूसरा अपना सरप्राइज क्या है, दूसरा सरप्राइज क्या है, दिखा दो है बच्चों, एक बारी फटाफट से मुझे चैट सेक्शन बता दो कि हां दिखा दो, फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो, यस, कि दिखाऊं या ना दिखाऊं। दूसरा सरप्राइज ब्यूटीफुल है, तो बहुत काम आएगा, तुम्हारे काम की चीज है और बहुत मेहनत लगाई है मैंने, यस। मुझे खांसी इसीलिए आ रही, वो जस्ट अचानक से मैंने पढ़ा कि अरे मेथी की सब्जी, एक मिनट में मैं अपना क्वेश्चन भूल गई थी, मैंने इनसे पूछा था कि क्या खाया है। ओके ओके, यस, हाँ यस, दिखा दो, हाँ। दिखाने वाली चीज ये है कि आज मेरे पास तुमको देने के लिए बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। जरा ध्यान दो बेटा, इतने ब्यूटीफुल नोट्स तुमको पहले नहीं मिले होंगे, मेरे लास्ट ईयर वाले बच्चों ने देखे थे, और अब बेटा तुम्हारी बारी आ गई है। सच अ ब्यूटीफुल एनसीईआरटी बेस्ड नोट, इसका मतलब ये नहीं है मैं लिखूंगी नहीं, आई विल राइट एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी को लर्न कर सकते हैं विद सच अमेजिंग टाइप ऑफ इंटरक्टिव। ये मतलब नोट्स आपसे बात करते हैं, ये इंटरक्टिव नोट्स हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कॉमेंट्स में भी पिंड है, ज्वाइन माई टेलीग्राम, एंड हर चैप्टर के बेटा अमेजिंग नोट्स हैं, बहुत अमेजिंग। चलो जी, अब शुभ आरंभ की घड़ी आ गई है, आरंभ की घड़ी आ गई है,
यस बहुत अमेजिंग है, तुम लोग को मैं पूरा नोट्स दिखाऊंगी ना, यू विल बी अमेज टू सी द क्वालिटी, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी इज कवर्ड इन दीज, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हाइलाइटेड इन दीज, जहां से क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू बेटा हाइलाइटिंग है। और एक बात तुम्हें बताऊं, ये किसी टॉपर के नहीं है, कभी किसी टॉपर के नोट से नहीं पढ़ना है, नहीं तो खुद कैसे टॉपर बनोगे, कब तक कॉपी करोगे इधर उधर से, किसी टॉपर ने बनाए हैं, पिछले साल के बच्चे ने बनाए हैं, नहीं ये तुम्हारे टीचर ने बनाया, ठीक है, जिस टीचर से तुम बहुत बारी हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ चुके हो उन्होंने बनाया, तो टॉपर के नोट्स से तो बेटा तुम्हारा समय वेस्ट है, मैं कुछ भी कहूं गलत चीज है टू स्टडी, तुम्हें मुझे टॉपर बनाना है, तुमको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, टॉपर के अपने तरीके थे, तुम्हारा अपना तरीका, और हम जानते हैं, हम अपनी मेहनत से मेरे साथ मिलकर तुम टॉपर बनोगे, अपनी दुनिया के टॉपर बनोगे, अपने शहर के टॉपर बनोगे, अपने गांव के टॉपर बनोगे, ठीक है। तो कॉपी करने की आदत छोड़ दो, मांगने की आदत छोड़ दो, खुद से करने की आदत डाल लो, खुद से करने की आदत डाल लो, बिकॉज आई बिलीव यू कैन डू इट, हर बच्चा कर सकता है, उसके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए, हर बच्चा कर सकता है बेटा, उसको सही पथ दिखाना चाहिए, और उसके लिए बेटा मैं यहां पर हूं। आपने हमेशा मैम को देखा है कि मैम इज द मोस्ट कंसिस्टेंट वन ऑन यूट्यूब, मैंने अपनी जर्नी यूट्यूब की अगर मैं बताऊं 2020 में शुरू की थी, मैं पढ़ाने की जर्नी बताऊं तो 2014 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 2020 से लेकर आज तक आप देख लो YouTube पे सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि पेपर से पहले आती हूँ, यार मैं पेपर से पहले एक्टिव नहीं होते हम, पूरे साल आपको डिटेल में पढ़ाया है, और अब बेटा उसका निचोड़ निकालने का समय है, पूरे मैम की नॉलेज का निचोड़ निकालने का समय, बेस्ट क्रैश कोर्स तुमको मिलने वाला है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, टेलीग्राम को कर लो ज्वाइन, बस इतना करना है, दैट्स इट। बायो तुम मेरे पे छोड़ दो, पूरी बायो 360 आउट ऑफ 360 अपन लेके आएंगे। रेडी? यस बच्चों, हाँ जी रेडी। ये सीरीज कब तक चलेगी बेटा? जब तक पेपर नहीं होता तब तक चलेगी, जब तक तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे तब तक चलेगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, आई विल मेक श्योर टू डू ईच एंड एवरीथिंग जो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। चलो बेटा आज क्या खाया था बता रहे थे तुम मुझे, हाँ आज क्या खाया था, क्या बता रहे थे तुम मुझे? यस बताना क्या खाया था बच्चों, ये सीरी भी बातें कर रहा है। यस बच्चों बताओ क्या खाया था मेरे बच्चों, आज उसी को डाइजेस्ट करना है। देखिए ओहो रुको रुको, इसको वैसे चेंज कर देते हैं, रुको, यस नाउ इट्स फाइन। हाँ आज जो भी खाया है आज उसको डाइजेस्ट करने का समय आ चुका है, है बस कुछ भी पूछो, खाने की बात करो बिरयानी सबसे पहले आ जाती है, बस तुम्हारे अंदर क्या आता है बिरयानी, बेटा बाहर निकलो बिरयानी से, ठीक है बाहर निकलो। यस यस तो शुरू करते हैं बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। यस इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वट एवर फूड यू हैव ईटन टूडे और वट एवर फूड यू ईट, दैट फूड इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड, जो आप खाना खाते हैं वो कैसा खाना है, कॉम्प्लेक्स खाना है, आपकी सेल्स तक वो खाना नहीं पहुंच पाता। देखो खाना खाने का मेन पर्पस क्या है, तुम्हें क्या लगता है हम खाना क्यों खाते हैं बताओ, तुम्हें क्या लगता है बेटा हम खाना क्यों खाते हैं, क्या मजे के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं कि हाँ बड़ा मजा आ रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है, मेरे टंग पे जो टेस्ट बड्स है दे आर फीलिंग लाइक हेवन कि बहुत बढ़िया खाना है, क्यों खाते हैं खाना, मम्मी को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं या फिर अपने लिए खाते हैं? बेटा आप खाना खा रहे हो ताकि एनर्जी बने, ठीक है आपने फूड क्यों खाया, आपने फूड क्यों खाया क्योंकि आप चाहते थे उससे आपको क्या मिले, एनर्जी मिले, ठीक है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, क्या है फूड इज बेसिकली द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, इसीलिए आप खाना खाते हो। बेटा खाना नहीं मिलेगा ना यही बेड पे पड़े हुए दिखाई देंगे हम, लॉस ऑफ एनर्जी, लेथार्जी, फटीक, इन सब के साथ। तो यार इस बेसिक रिक्वायरमेंट वाले फूड में दो चीजें हैं मेजर बेटा, कंपोनेंट्स की बात करें तो फूड में दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं बेटा, सारे नोट्स, ये वाले नोट्स भी और ये वाले नोट्स भी, ये सारे नोट्स तुमको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो घबराना नहीं है, पीपीएफ लेकर आ जाओ। पीपीएफ क्या है, पेन पेपर फोकस, पेन पेपर फोकस लेके यहां पर आ जाइए। हाँ तो मूंग दाल, मेथी की सब्जी, बिरयानी, जो भी तुमने खाई है, आपके फूड में हमेशा दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट्स वो है जो कि ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फूड में, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स,
क्या बोलते हैं उनको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरे कंपोनेंट्स वो हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत है, तुमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तुमको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारियों से, लेकिन उनकी मात्रा क्या है, कम है, वो क्या हो जाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। तो यार मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है जो मेजर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? रोटी खाई थी? हाँ जी बच्चों बता दो, रोटी खाई थी? हाँ खाई थी। कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे? देन दाल खाई थी? बिल्कुल खाई थी। राजमा खाया था? खाया था। तो यानी कि प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए। रोटी में घी लगाया था, दाल में घी डाला था, बटर खाया था, यानी कि फैट्स हो गए। तो यार ये जो तीन चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपके फूड में ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब कम मात्रा में क्या पाया जाता है, लेस अमाउंट में जो पाया जाता है वो है बेटा विटामिन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है आपकी कम मात्रा में है फूड में, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। ये क्या है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। तो यार इनको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, ये है प्रोटेक्टिव। तो ये सारी चीजें आपने खाने में खाई, पर्पस क्या है, एनर्जी लेनी। एनर्जी के लिए इनको कहां भेजना पड़ेगा, आपके सेल तक भेजना पड़ेगा। बट बेटा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की एक कमी है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड को आपके सेल तक नहीं भेज सकता। अभी यार रोटी में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही है, राइस में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही है, अभी टूटा नहीं है। इसको जब तक तुम सिंपलर फॉर्म में नहीं करोगे तब तक ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के सक्षम नहीं है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, और ऐसी फॉर्म में चेंज करना जो कि एब्जॉर्बेबल हो, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना। तो ये काम हो गया, यहां पर पर्पस डिफाइन हो गया किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बहुत ब्यूटीफुल सी एलिमेंट्री कैनोल है। क्या है, एलिमेंट्री कैनोल है। सब बच्चे पेन पेपर फोकस के साथ आए हैं कि नहीं आए हैं? देखो बीच में 3D भी दिखेगा, मैं बता रही हूं। ये राजू भाई रेडी है? राजू भाई बेटा रेडी है, ये तुम देख रहे हो, राजू भाई बिल्कुल रेडी है, तो 3D में दिखेगा। लेकिन उसके लिए नोट डाउन भी करना पड़ेगा आपको, वो क्या आती है आपके टूथ, है ना, अब उसके दांत दोबारा लगाने पड़ेंगे, राजू भाई के दांत दोबारा निकालने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। टीथ की बात करें तो टीथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार फीचर्स है बेटा मैमल के टीथ के, देयर आर फोर फीचर्स। पहली बात की जो टूथ है दैट इज अटैच टू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इस टाइप के डेंटिशन को बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन, ठीक है। दूसरा, जिंदगी में दांत कितनी बारी आते हैं, तुम बोलोगे जिंदगी में दांत दो बारी आते हैं, एक बारी बचपन वाले मिल्क टीथ और उसके बाद परमानेंट टीथ। सो यार ये हो जाएगा आपका डायफायोडोंट डेंटिशन। अगली चीज, क्या तुम्हारे सारे दांत एक जैसे हैं? नहीं, बढ़िया वैरायटी में दांत है, इंसिसर्स है, केनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, यानी कि आपका डेंटिशन क्या है, हेटेरोडोंट डेंटिशन है। बाकी बेटा तुम्हारे दांत में ऐसे ऐसे कस्प भी हैं, ऐसे बिल्कुल फ्लैट दांत तो नहीं है ना, ऐसे है ना नीचे ऐसे थोड़ी डिप्रेशन आ रही है, इस टाइप के डेंटिशन को जिसमें कस्प होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूनोडोंट डेंटिशन, ठीक है। तो थीकोडोंट क्या हुआ, अटैच्ड टू द सॉकेट, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, ऑफ जॉबोन, यानी कि जितना दांत अंदर है उतना ही दांत बाहर है। ये देखो इतना बड़ा दांत है, मान लो जितनी पेंसिल है उतना दांत है, अब आधा दांत अंदर है और आधा दांत क्या है, बाहर है, यानी कि अटैचमेंट है। ये बात होगी थीकोडोंट या डायफायोडोंट, ट्वाइस इन लाइफ टाइम, दो बारी आएंगे जिंदगी में, ट्वाइस इन लाइफ टाइम। हेटेरोडोंट यानी कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ दांत है, इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ब्यूनोडोंट का मतलब है कस्प इसमें प्रेजेंट है, कस्प इसमें प्रेजेंट है। अब यार किस तरीके से ये दांत अरेंज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बता दू, यस बता दू, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। मुझे लगता है राजू भाई के दांत वापस लाने पड़ेंगे। अंडू कहां से होता था, हाँ दांत आ गए यार इसके, कितना हंस रहा है वैसे, ये देख रहे हो, ही इज अ स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस है राजू भाई, ठीक है। तो यार दांत इसके देख लेते हैं, सबसे पहले इट इज अटैच्ड टू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो हो गया अपना थीकोडोंट। दूसरी चीज बेटा वैरायटी है, वैरायटी जरा ध्यान दो, ये जो आगे के दो दांत है मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये क्या है, इंसिजर्स है। ये क्या है बेटा, इंसिजर्स है। ये जो कोने वाले वेम्पायर वाले दांत है, दिस इज केनाइन,
केनाइन, ठीक है। ओहो एक मिनट रुको, ये तो इंसीजर है, ये इस साइड का इंसीजर, ये भी इस साइड का, ये जो कोने वाला वैम्पायर की तरह दांत है ये क्या है आपका, केनाइन है। केनाइन के बाद आपके पास दो क्या दिखाई देंगे, आपको दो दिखाई देंगे प्रीमोलर्स, और पीछे तीन क्या दिखाई दे रहे हैं, पीछे तीन दिखाई दे रहे हैं मोलर्स। यानी कि अगर मैं आपके पूरे जॉ को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूं, पूरे जॉ को बेटा चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करूं, कर लो अगले पेज पे करती हूं, ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो कर लेते हैं डिवाइड, यस चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया, चार क्वाड्रेंट्स में। अब आपको जो फोकस करना है वो इस क्वाड्रेंट पे करना है, वन हाफ ऑफ द अपर जॉ, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट पे फोकस करो, एंड वन हाफ ऑफ द लोअर जॉ। अब यहां पे कौन कौन से दांत है, तो ऊपर वाली साइड एक साइड पे, राइट साइड पे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, दो आपके पास क्या है इंसाइजर्स, दो आपके पास क्या है इंसिजर्स। सो इंसिजर्स यहां पर कितने हैं, टू, ठीक है। केनाइन आपके पास कितने हैं, वन। प्रीमोलर आपके पास कितना है, प्रीमोलर आपके पास कितना है, टू, और मोलर आपके पास कितना है, थ्री, ठीक है। अगर अपर जॉ की एक साइड पर देखेंगे तो इट इज द 2 1 2 3 इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। वैसा ही नीचे 2 1 2 3 वैसा ही नीचे। यानी कि अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करें इन केस ऑफ एडल्ट, बड़ों में परमानेंट टूथ में, तो क्या है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, है ना, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। और अगर बच्चों में बात करें इन केस ऑफ इन्फेंट्स, जब मिल्क टीथ थे, मिल्क टीथ में कैसा था 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। क्या यहां से तुम टोटल नंबर ऑफ टूथ निकाल सकते हो, क्या यहां से टोटल नंबर ऑफ टूथ निकाल सकते हो, बताओ यस और नो। यस, राजू भाई को कपड़े क्यों नहीं पहनाए हुए, इनको बड़ी टेंशन है बेटा राजू भाई की, है, राजू भाई ने अपनी जिंदगी मेडिकल साइंस के लिए कुर्बान करी हुई है, तो उसने बोला है मुझे कपड़ा पहनाओ ना पहनाओ मुझे फर्क नहीं है, मैं ऐसे चल देगा, मैं तुम्हें साइंस सिखाना चाहता है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। क्या आप टोटल नंबर ऑफ टूथ निकाल सकते हो, वेरी गुड मेरे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टूथ आप कैसे निकालोगे, इसको मैं जरा डाल देती हूँ साइड पे, ठीक है। हाँ जी, तो पहला है अपने पास इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। पहले बात करते हैं एडल्ट में, हाँ जी, ऑन वन साइड ऑफ अपर जॉ कितना है 2 1 2 3, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, 2 into 4 1 into 4 1 into 3 into 4, टोटल कितना आ जाएगा 4 2s are 8 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12, टोटल करोगे तो कितना है 32, कितने दांत हैं तुम्हारे 32। लेकिन अगर बात करें यही मिल्क टीथ की, मिल्क टीथ की बात करें तो क्या है 2 1 0 2, इसको ही मल्टीप्लाई करो, इसको ही बेटा जी मल्टीप्लाई करिए, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कर दें into 4 into 4 into 4 and into 4, 4 2s are 8 4 1s are 4 0 4s are 0 4 2s are 8, कितना आ जाएगा 20, है ना, कितना आ जाएगा 20। यानी कि तुम्हारे पास बचपन में 20 दांत थे, 20 के 20 दांत टूट गए, फिर 20 नए आए, और उन 20 के अलावा 12 दांत और आए, समझ रहे हो। इनिशियली तुम्हारे पास 20 दांत थे, टूट गए सारे के सारे बचपन में, तो सारे दांत, है ना, ले जाता है चूहा ले जाता है, हमारे जमाने में चूहा लेके जाता था, आज के जमाने में कोई टूथ फेरी नाम की फेरी आती है ना, परी आती है, वो सारे दांत ले जाती है, ले गए। लेकिन जब 20 दांत दोबारा आए तो 12 दांत और आए, यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे दांत भी हैं जो मोनोफायोडोंट हैं। क्या हैं? मोनोफायोडोंट हैं। कितने हैं? 32 माइनस 20, आंसर कितना आ जाएगा 12। ये कौन से 12 हैं जो जिंदगी में एक ही बारी आए, तो यार माइनस कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। 2 1 2 3 में से 2 1 0 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0 0 2 1 अपॉन 0 0 2 1, माइनस करके देख लो। यानी कि जो दो प्रीमोलर हैं वो जिंदगी में एक बारी आ रहे हैं, और जो एक मोलार है वो जिंदगी में एक बारी आ रहा है, 0 0 2 1 अपॉन 0 0 2 1। क्या मेरे बच्चों ये बात आपको समझ आई, बताना मुझे पोल में बताओ। यस,
इज दिस क्लियर? पानी पीते रहो यार साथ में, पानी पीते रहो साथ में. हैं क्या ये, क्या लिख रहे हैं? ये 2% जो है दोबारा सुनने की कोशिश करें, 2% बच्चे दोबारा सुनने की कोशिश करें. ये सुमित क्या लिख रहे हैं? क्लास 10 को पढ़ा दीजिए. अच्छा हाँ, मेरा प्लान तो है यार, इट्स इन माय प्लान. ठीक है, इट्स इन माय प्लान. तो समझो, दोबारा समझो बेटा, जो बच्चे नए आए हैं. देखिए, बचपन में तुम्हारे पास 8 इंसिजर्स थे, 8 के 8 टूटे, 8 नए आ गए, इतना समझ आ गया. देन छोटे तो तुम्हारे पास 4 के 9 थे, 4 टूटे, 4 के 4 नए आ गए, बात क्लियर. देन बेटा, बचपन में तुम्हारे पास कोई प्रीमोलर नहीं था, तो ये जो 8 प्रीमोलर है, ये तो नए आए हैं, ये तो नए आए हैं, है कि नहीं? चलो प्रीमोलर हो गए. बचपन में तुम्हारे पास 8 मोलर थे, बड़े होके टोटल 12 आ रहे हैं, यानी कि जो 4 मोलर हैं वो नए आ रहे हैं. तो नए वाले जो आ रहे हैं उनका फॉर्मूला रहेगा 0021/0021. ठीक है मरियम बेटा, आप माइनस भी करोगे ना इसमें से. देखो 2 में से 2 गया, समझो गाइस, 2 में से 2 गया 0, ठीक है 2 में से 2 गया, 1 में से 1 गया 0, ठीक है. देन 2 में से 0 गया कितना? 2. 3 में से 2 गया 1. माइनस करना है 0021/0021. बेसिक मैथ्स यार. माना कि बायो वालों की मैथ इतनी अच्छी नहीं होती है, बट ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है. तो यार जरा ये राजू भाई को देख के बताइए, ये राजू भाई का एडल्ट का डेंटिशन है या बचपन का है? हैं, राजू भाई को देख के बताओ, ये राजू भाई का एडल्ट का डेंटिशन है बचपन का? तो तुम गिनोगे बैठ के, तुम गिनोगे भैया. एक साइड पे देखते इंसिजर्स, इंसिजर 2 इंसिजर, 1 केनाइन, ये केनाइन, देन बेटा 3 आपके 2 प्रीमोलर, एंड लास्ट के 3 क्या है? मोलर्स हैं. लास्ट के 3 क्या है? मोलर है. अब मैं तुम्हें जरा ये लास्ट वाले दांत के बारे में बताऊं. ये जो लास्ट वाला दांत है ना, कहां गया, ये जो लास्ट वाला दांत दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? मोलर. ये मोलर वैसे तुम्हारे किसी काम का है नहीं. सच देखा जाए तो यार, ये जो मोलर है ये विजडम टूथ है, यानी कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट. मतलब ये हमारे पूर्वजों में था या किसी और ऑर्गेनिज्म में था, हमको इसकी जरूरत नहीं है. ये वेस्ट है, इसको बाहर निकाल के फेंक सकते हैं. क्यों वेस्ट है यार वेस्टिजियल ऑर्गन? एक्चुअली बेटा, हमारे जो पूर्वज थे, जो अर्ली मैन था, अर्ली ह्यूमन था, वो उनके एक तो जॉबोन बहुत वाइड थी, तो उनके पास जगह थी. हमारे पास तो जगह ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, ये जो जॉबोन का साइज है ये कम होता गया. वन रीजन इज दिस कि मेरे पास जगह नहीं, उनके पास जगह थी. दूसरा रीजन, वो लोग बिना पका हुआ खाना खाते थे. वो लोग, इस मोलर के बारे में बात हो रही है, वो लोग बेटा रॉ फूड खाते थे, पत्ते वत्ते खाते थे, बड़ा च्यू करना पड़ता था. हमने थोड़ा पत्ते खाने, हम तो पत्तों को पका देते हैं यार. मेथी पत्ता है, तुम सोचो, मेथी पत्ता है, पालक पत्ता है, हम तो उसको पका पका के खा रहे हैं. आज ही तुमने खाए, तो इतना च्यू करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा जो काम है वो 2 मोलर से चल सकता है, 3रा मोलर वेस्ट है एक तरीके से. बट फिर भी आता है. कब आता है? ये जनरली आता है जब आप 25-26 साल के हो जाते हैं, यानी कि माना जाता है जब तुम में थोड़ी यू नो विजडम आ गया है, तब विजडम टूथ आ रहा है. इसीलिए इसका नाम है विजडम टूथ. कईयों के आता है, कईयों के नहीं आता है, कईयों के 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 के 4 नहीं आएंगे. तो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कई बारी लेकिन बेटा जब आता है तो ये बहुत पेनफुल होता है. क्यों? क्योंकि इसके तो जगह ही नहीं थी यार. जब जगह नहीं होती तो दूसरे दांतों को धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो उसमें दर्द होगी हमें. तो डॉक्टर बोलते हैं ऐसा करो, ये परेशानजनक दांत है, तुम में जितनी बुद्धिमत्ता आनी थी वो आ चुकी है, इससे ज्यादा बुद्धि तुम हो नहीं जाओगे. तो ऐसा करते हैं, इसको निकाल के फेंक देते हैं अगर ये परेशान करता है तो. अगर चुपचाप कोने में बैठा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर परेशान करेगा तो हम लोग इसको निकाल के फेंक सकते हैं, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. ठीक है, ओके बेटा. बुद्धिजीवी तो नहीं हो जाओगे तुम, उससे ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं होगे. चलो अब जरा दांत का कर लेते हैं डायग्राम. ये मैं डायग्राम आपको यहां से दिखाती हूं. टंग हो गई है, फ्रीली मूवेबल है. दांत कहां गए? दांत का डायग्राम नहीं बनाया इसने, मैं बना देती हूं. यस, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ.
ठीक है बेटा, यस। तो ये अपना दांत है, ये काफी हार्ड पार्ट है दांत का, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। ये मैंने क्या बनाया है, डेंटाइन बनाया बच्चों, ठीक है। और इसके ऊपर तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज इनामल। क्या बोला जाता है, इनामल। तो यार जो हिस्सा दांत का तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है, दैट हिस्सा इज कॉल्ड एज द क्राउन पार्ट। ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज द क्राउन, ठीक है। ये जो बीच में हल्का सा हिस्सा है, जस्ट 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 सेकेंड, ये दिस इज कॉल्ड एज द क्राउन। देन बेटा बीच का जंक्शन इज द नेक, एंड जो हिस्सा अंदर है इसको अपने लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं। अब यार इनामल इज द वन जो कि आपके क्राउन को कवर करता है, ठीक है। ये जो इनामल है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। और मैं आपको बताऊं, जिंदगी में इनामल एक ही बार आता है। अगर तुम्हारे एक्सीडेंट से इनामल टूट गया तो नकली लगाना पड़ेगा, इट डज नॉट रीजनरेट। इट इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय स्पेशल सेल्स जिनका नाम है अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल काफी हार्ड पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट है। एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। देन बेटा नीचे आ जाइए, अंदर आ जाइए। ये जो हिस्सा है इसको अपने लोग बोलते हैं डेंटाइन। दिस इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल, और इसका जो ओरिजिन है वो है मीजोडर्मल, ठीक है। ये भी काफी हार्ड है, बट इट इज लेस हार्डर देन द इनामल। देन बेटा बीच में जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये हिस्सा, दिस वन, ये कैविटी है। इस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द पल्प कैविटी। इस कैविटी के अंदर बेटा ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगे, सेंसरी सेल्स होंगे। तो यार ये सब अपने प्रेजेंट है। एक दांत ऐसा दिखाई देता है, जो बाहर दिख रहा है वो क्राउन है। ये देखो दांत का आधा हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है तुमको, क्राउन है, और जो अंदर दिख रहा है वो उसकी रूट है। रूट बेटा दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ऊपर दो, ऊपर तीन होती, नीचे दो होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे दांत की बात भी खत्म हो गई है। दांत के बाद आ जाओ यार, बकल कैविटी खत्म। बकल कैविटी से अगले हिस्से में आएंगे, हमारे पास आ जाएगा फेरिंग्स। बेटा मैंने आपको बताया था इतने दिन से मैं क्लास क्यों नहीं ले रही थी, बहुत ज्यादा चर्चा परिचर्चा थी, है ना। इतने दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही है, कहाँ हूं मैम। तो यार इतने दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही थी, बिकॉज वन आई वॉज नॉट दैट वेल। आप देख सकते हैं आई वॉज हैविंग फीवर, एंड मेरा गला बेटा बिल्कुल खराब था। अब कुछ ठीक हुआ है तो इसलिए मैंने क्लास लेनी शुरू की है। टू वो भी नहीं बता सकते, हाँ जी। चलो फेरिंग्स की बात करें, सो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। चलो बना दे, ये तुम्हारा नाक है, नाक में से तुमने हवा ली, ये तुम्हारा बकल कैविटी है, यहां से तुमने खाना भी खाया, हवा भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। ओके यस, हाँ जी बेटा फोकस करिए। ये तुम्हारा नाक है, नाक को मैं लिख रही हूं नेजल कैविटी, यहां से क्या आएगी, ईयर आएगी, ठीक है। ये तुम्हारी बकल कैविटी है, यहां से तुमने खाना खाया, मुंह है तुम्हारा, खाना खाया, ठीक है। अब यहां से ली गई हवा और यहां से खाया गया खाना सब इस जगह पे आके मिल जाएंगे। तो ये जो जगह जिसको मैं हाईलाइट करूंगी गाइज, ये जो सारी जगह है ये मैंने हाईलाइट कर दी, दिस होल इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स। ये सारा हिस्सा क्या है, ये सारा हिस्सा क्या है, फेरिंग्स है। अब यार फेरिंग्स भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्ट नंबर वन, ये मैंने डॉट लगाई है, पार्ट नंबर टू एंड पार्ट नंबर थ्री। पहला हिस्सा फेरिंग्स का वो है जो कि नोज के सामने आता है, जहां सिर्फ हवा जाती है। बेटा नाक से खाना तो नहीं खाते हो, ऐसा तो नहीं कि नाक से रोटी चावल खा रहे हो, कि नाक में छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो नाक से घुसा रहे, नहीं। नाक से हम लोग क्या खाते हैं, सिर्फ हवा खाते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द नेसोफेरिंक्स। क्या नाम है इसका, नेसोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, हवा मिलेगी, हवा ही मिलेगी ना बेटा, रोटी चावल तो नहीं खाते हैं नाक से। अच्छा सेकेंड हिस्सा जो आपकी बकल कैविटी के सामने है, इसको अपने लोग बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंक्स। अब बकल कैविटी के सामने देखो, मुंह से तुम खाना भी खाते हो, मुंह से क्या खाते हो, हवा भी तो खा सकते हो, हवा खाई, ठीक है। तो इसमें तुमको एयर प्लस फूड दोनों मिलेगा। और जो नीचे फेरिंग्स दिखाई दे रहा है, दिस इज लैरिंजियोफेरिंक्स, लैरिंजियोफेरिंक्स, ठीक है। अब यार खाना यहां तक पहुंच चुका है,
यहां पे खाना खाया और बेटा इस जगह तक खाना पहुंच गया। अब आगे की साइड पर बेटा ये जो तुम टच कर रहे हो, मेरे साथ सब बच्चे टच करें, आगे की साइड पे जो डक्ट है ये तुम्हारा ट्राकिया है, विंड पाइप है, विंड पाइप है। बेटा खाना यहां तो नहीं भेजना, यहां तो नहीं भेजना, हम चाहते हैं खाना जाए पीछे की फूड पाइप में। ये क्या है? फूड पाइप है, खाना फूड पाइप में ही जाना चाहिए। इसी वजह से विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन है, विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है जिसका? एपिग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस नामक ओपनिंग को ढकता है ताकि ये जो फूड है ये इसके अंदर ना जाए। बेटा अगर फूड विंड पाइप में चला गया, वहीं पे किस्सा खत्म है, बस फिर सब प्लान डॉक्टर बनने के धरे रह जाएंगे। ठीक है, तो खाना विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, खाना जाना चाहिए आपकी फूड पाइप में। यानी कि एपिग्लॉटिस का क्या काम हुआ? इट प्रिवेंट्स द फूड एंट्री इनटू ट्राकिया। बोल सकते हैं ट्राकिया में फूड को जाने से कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस रोकता है। और बेटा फूड फिर जाता है इस गलट के द्वारा होते हुए इसोफेगस में। यस बेटा, कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। इसी फेरिंग्स में बेटा आपके पास वॉल्डर्स रिंग भी प्रेजेंट है जहां पर टॉन्सिल्स हैं। टॉन्सिल्स क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, वहां पर बहुत सारे लिम्फैट आपके WBCs हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इतना डिटेल खैर अभी है नहीं, अगर आपको करने की इच्छा हो कि मैम वॉल्डर रिंग बताओ, ट्यूबल टॉन्सिल बताओ, पैलेटाइन टॉन्सिल बताओ, तो वो आप मेरे लिंक ट्री से डिटेल वाली 11th में जाकर कर सकते हैं, अभी के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फेरिंग से आगे चलते हैं, फेरिंग से आगे चलते हैं इसोफेगस में। चले बच्चों, एवरीवन इज विद मी, फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो यार, फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो। ये कौन सा पोल चल रहा है, इसको एंड कर दो। यस पता, बता दो फटाफट से सेशन को लाइक करके। चले इसोफेगस पे, यहां से बताऊं इसोफेगस? यस बच्चों बता दो इसोफेगस, यहां से बताऊं? आ जाओ। इसोफेगस क्या है? यस इसोफेगस क्या है? इसोफेगस बेटा एक लंबी सी ट्यूब है, ये देख रहे हो, ब्यूटीफुल डायग्राम्स हैं यहां पर, अभी 3D भी दिखाऊंगी। ये लंबी सी ट्यूब क्या है बेटा? इसोफेगस है, पतली सी ट्यूब है, थिन है, ठीक है, थिन है, लॉन्ग ट्यूब है, पीछे की साइड पर है। क्या है? पीछे की साइड पर है। पोस्टीरियर यहां पर मैंने क्यों लिखा? पोस्टीरियर बेटा यहां पर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पीछे की साइड है। जरा यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, पीछे वाली है ना इसोफेगस, आगे वाली थोड़े पीछे वाली है। ठीक है, पीछे वाली इसोफेगस है। कहां से जाती है? आपके नेक से होती हुई जाती है, थोरेक्स से जाती है, डायफ्राम से जाती है और स्टमक में पहुंच जाती है। इस इसोफेगस में क्या कोई ग्लैंड है? तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, दिस इसोफेगस हैज नो ग्लैंड्स, कोई ग्लैंड्स नहीं है। तो भैया क्या काम है इसका? इसका काम है पेरिस्टाल्सिस कराना, पेरिस्टाल्सिस यानी कि अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ताकि जो फूड की बॉल बनी हुई है ऊपर, बेटा माउस में बॉल बन जाती है, वो बॉल नीचे की तरफ पेरिस्टाल्सिस से होती हुई चली जाए। ठीक है बच्चों? यस चलिए। ये बात हो गई इसोफेगस की। इसोफेगस से होते हुए अब हम कहां पहुंच गए हैं बेटा? इसको भी, राजू भाई की भी इसोफेगस देख ले। ओ कहां गया? यस देख रहे हो, राजू भाई की इसोफेगस देख लो, ये रही। मैं साथ साथ तुमको दिखाती जाऊंगी। ये अपनी विंड पाइप फूड पाइप है, पोस्टीरियर वाली साइड पे, नेक थोरेक्स से होती हुई पहुंच रही है कहां पर? पहुंच गई है बेटा आपके स्टमक में। स्टमक कैसा स्ट्रक्चर है? स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा स्टमक? स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस स्टमक में टोटल कितने पार्ट्स हैं? इस स्टमक में टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स आर देयर। सो लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। ध्यान दीजिए कैसा स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इट्स अ जे शेप स्ट्रक्चर। लिखा हुआ बेटा यहां पर, सब जगह लिखा हुआ मैंने, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है? जे शेप्ड, ओके, जे शेप स्ट्रक्चर है। 4 हिस्से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे 3 लिख के आते हैं, पुरानी एनसीईआरटी में 3 ही थे, बट 4 हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द
फंडस, ऊपर का हिस्सा क्या है बेटा, फंडस है। देन जहां पर इसोफेगस खुलती है इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन आता है कि इसोफेगस कहां खुलती है, तुम बोलोगे कार्डियक वाले हिस्से में खुलती है, ठीक है। कार्डियक के बाद आता है अगला हिस्सा जो कि काफी बड़ा हिस्सा है, जिसका नाम है बॉडी। तो यार ये जो सारा हिस्सा है ये क्या है, आपका बॉडी है, मेन सेंट्रल हिस्सा, मेन सेंट्रल हिस्सा इज द बॉडी रीजन, एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक रीजन। अब जरा ध्यान दीजिए, इसोफेगस के ऊपर और इसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है बेटा स्फिंक्टर्स। लेट मी ड्रॉ देम। ये देखिए, ये इसोफेगस है और ये आपका जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसोफेगस के ऊपर और इसोफेगस के नीचे यहां पर और यहां पर सर्कुलर मसल से बना हुआ स्फिंक्टर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है बेटा। स्फिंक्टर सर्कुलर मसल का होता है, अगर ये रिलैक्स करेगा तो खुल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बंद हो जाएगा। देन ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का दूसरा नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है इसोफेगस किस हिस्से में जाकर खुलती है, कार्डियक हिस्से में जाकर खुलती है। नेक्स्ट बेटा, यहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है पाइलोरिक हिस्से से आगे, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो तीन स्फिंक्टर मैंने तुम्हें यहां पर बताए, रिलैक्सेशन होगी तो मूव करेगा फूड, रिलैक्सेशन नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, फूड आगे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी स्टमक के बारे में। स्टमक से आगे चलते हैं आपकी इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में चलते हैं। पहले छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत को छोटी क्यों बोला है, बड़ी बोल देते, ये तो काफी ज्यादा कॉइल्ड है, लंबी भी है। छोटी आंत को छोटी किस इस वजह से बोला है, बिकॉज ऑफ द डायमीटर, इसका डायमीटर कम है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन हिस्से हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, एंड दैट सी शेप स्ट्रक्चर बेटा इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे इसको, ड्यूडेनम। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे क्या खुलता है, ड्यूडेनम खुलता है। ड्यूडेनम के बाद जो अगला हिस्सा है हाईली वैस्कुलर, इसका नाम है जेजुनम। क्या है इसका नाम, जेजुनम। एंड द लास्ट हाईली कॉइल्ड हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज द इलियम। याद रखना है, दिस इज ILEUM। क्या है, ILEUM। अगर बेटा यही होता ILIUM तो यार ये आपकी हिप बोन का हिस्सा था, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं, ये है ILEUM। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड द नैरोएस्ट पार्ट, सबसे लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट पार्ट इज द इलियम। तो यार तीन हिस्से हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन आ जाइए बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में, किसमें आ जाइए, लार्ज इंटेस्टाइन में। लुकिंग एट द लार्ज इंटेस्टाइन, इट स्टार्ट्स विद दिस ब्लाइंड सैक। ये जो सीकम दिख रहा है तुमको, ये एक ब्लाइंड सैक है, कल भी बताया था, यस बेटा ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक के बाद ये जो दिख रही है ये सारी कोलोन है, ऊपर जाने वाली कोलोन इज कॉल्ड एज द असेंडिंग कोलोन। ये जो कोलोन दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे जो आने वाली डिसेंडिंग, और ये जो एस शेप दिखाई दे रहा है सिग्मोइड, आखिरी हिस्सा जहां पर फीसिस स्टोर होती है, दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टम, और ये जो लास्ट पार्ट है इसका नाम है एनस, इसका नाम है एनस, ठीक है। अब ये जो इलियम मैंने तुम्हें ऊपर दिखाया था, इस इलियम के पास क्या प्रेजेंट है, पियर्स पैचेस प्रेजेंट है। ये हमने कब किया था, ये मैं तुम्हें साथ साथ याद कराती जा रही हूं, कब किया था बेटा हमने, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी किया था, ह्यूमन हेल्थ में भी किया था, ठीक है। यस, जरा ये देख लो राजू भाई का भी सारे हिस्से देख लीजिए जो जो अभी हमने किए। सबसे पहले बेटा कहां से चालू होंगे, ड्यूडेनम से, दिस इज द ड्यूडेनम, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है। ड्यूडेनम के बाद आती है जेजुनम, कैन यू सी, दिस वन इज द जेजुनम। जेजुनम के बाद आती है इलियम, ये जो आपको दिखाई दे रही है 3D में, दिस इज द इलियम। इलियम विल ओपन इनटू दिस ब्लाइंड सैक, दिस ब्लाइंड सैक इज द सीकम। सीकम के साथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन अटैच्ड है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बेटा चार्ट में आंसर रुकना नहीं चाहिए, देन बेटा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन ऐसे,
और डिसेंडिंग कोलोन नीचे की तरफ, ये वाली, यस, डिसेंडिंग कोलोन नीचे की तरफ। और बेटा यहां से जो एस शेप सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे टेढ़ा सा, दिस इज द सिग्मोइड कोलोन एंड द लास्ट पार्ट दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टम एंड रेक्टम विल ओपन इन टू द एनस। With this, we are done with the anatomy of digestive system. Digestive system की बेटा anatomy हमने कर ली है, ठीक है, कर ली है. Next अपन लोग चलेंगे histology of GI tract. किस पे चलते हैं? Histology of GI tract. Okay, large intestine done. Cecum के बारे में सारी important चीजें बेटा जो NCERT में हैं, जो आपको याद रखनी है कि इसके पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ब्लाइंड सैक है, ये पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सब हमने, मैंने आपको इन ब्यूटीफुल नोट्स में लिख दिए। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम मैंने पिन करके रखा है, इसको कर लीजिए आप ज्वाइन, ठीक है, इसको कर लीजिए आप ज्वाइन। ओके, मूविंग ऑन टू द हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हिस्टोलॉजी में बेटा बाहर से अंदर हम लोग देखते हैं, बाहर से अंदर, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? सिरोसा, यस, सबसे बाहर वाली कौन सी है? सिरोसा। सबसे अंदर वाली कौन सी है? म्यूकोजा। बीच में मस्कुलैरिस और सब म्यूकोजा, याद रखना है, बीच में मस्कुलैरिस और सब म्यूकोजा। ये अब 3D में नहीं दिख सकता बेटा, ये आपको मेरे से ऐसे ही समझना पड़ेगा, ये आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। तो यार ये डायग्राम आपका देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है। जरा सबसे आउटर मोस्ट लेयर देखिए, दिस इज द सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो सिरोसा है इट इज बेसिकली विसरल पेरिटोनियम, ये क्या है? विसरल पेरिटोनियम है, ठीक है, विसरल पेरिटोनियम है। अंदर आ जाइए, अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? मस्कुलैरिस इंटरना, जिसमें आपको दो टाइप की मसल्स दिख रही हैं, दो टाइप की, अंदर की साइड पे सर्कुलर और बाहर लॉन्गिट्यूडनल। बाहर से अंदर जाएंगे तो LC, यानी कि ये आपका L है, ये देखिए L है और ये C है, ऐसे याद रखना है, बाहर टू अंदर बेटा, ऑर्डर मैटर्स हियर, क्या मैटर करता है यहां पर, किस ऑर्डर में, बाहर से अंदर आओ। तो ये है L, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है और ये सर्कुलर है। फिर बेटा तीसरी लेयर आती है जिसका नाम है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? म्यूकोसा। अब थोड़ी खास बात देखिए, म्यूकोसा बेटा एक वो लेयर है जिसके पास सारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है, म्यूकोसा वो लेयर है जिसके पास ग्लैंड्स है, बट एक एक्सेप्शन है, सब म्यूकोसा के पास भी एक ग्लैंड है और वो और कोई नहीं है, वो है ब्रूनर्स ग्लैंड। द एक्सेप्शन इज सब म्यूकोसा के पास भी ग्लैंड है प्रेजेंट इन द ड्यूओडेनम पार्ट, ड्यूओडेनम पार्ट जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। वैसे तो सारे ग्लैंड्स किसके पास है? म्यूकोसा, लेकिन एक ग्लैंड ऐसा है जो सब म्यूकोसा पे पास है, वो कौन है? ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। दूसरी चीज, म्यूकोसा में मॉडिफिकेशंस है, म्यूकोसा में क्या है? मॉडिफिकेशंस है। जैसे कि बेटा म्यूकोसा देखा जाए अगर इंटेस्टाइन का, किसका? इंटेस्टाइन का, तो यार इसी म्यूकोसा के क्या बने हुए हैं? विल्लाय बने हुए हैं। क्या बने हुए बेटा इसके? विल्लाय बने हुए हैं, ठीक है जी, विल्लाय बने हुए इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर यही मॉडिफिकेशन देखा जाए स्टमक में, तो स्टमक जब बेटा खाली होती है तो यहां पर भी ट्रांसवर्स फोल्ड्स हैं, इनको बोलते हैं रूगे। क्या बोलते हैं बेटा? रूगे। तो याद रखना है यही म्यूकोसा के फोल्ड्स इंटेस्टाइन में विल्लाय बनाते हैं, स्टमक में रूगे बनाते हैं। स्टमक में एक और खास बात है, स्टमक में एक और खास बात है, वो क्या है कि स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर से आगे एक और लेयर है जिसका नाम है ओब्लीक मसल्स। यस, ओनली स्टमक में, ओनली एंड ओनली स्टमक में है। तो यार ये जो ओब्लीक मसल की लेयर है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? स्टमक में पाई जाती है, ओनली एंड ओनली स्टमक में। कहां पर? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के नीचे, यानी कि सर्कुलर और सब म्यूकोसा के बीच में, ठीक है। जैसे आपने देखा नहीं जिम वाले क्या करते हैं, जिम वाले ऑब्लिक्स बना रहे हैं, ऑब्लिक्स उनके यहां होते हैं, ठीक है, यानी कि स्टमक वाले हिस्से में होते हैं। ओके, तो हर के बारे में मैंने यहां पर लिख दिया है। सब म्यूकोसा के बारे में देख लीजिए बेटा क्या क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें नर्व्स है, ब्लड है, लिम्फ वेसल है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा मस्कुलैरिस के बारे में, इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, और ये ऑब्लिक मसल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें किसमें मिलेगा? स्टमक में मिलेगा, ठीक है जी, स्टमक में मिलेगा। ये देखिए बेटा म्यूकोसा इज फॉर्मिंग रूगे इन केस ऑफ स्टमक एंड विल्लाय इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। और आगे क्या बनाती है? माइक्रोविल्लाय। माइक्रोविल्लाय का क्या काम है? बहुत सारे माइन्यूट इस तरीके से बेटा प्रोजेक्शन है, ऐसे 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 ऐसे,
जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। यस बच्चों, ये जो बच्चे कह रहे हैं आज आपको पहली बारी लाइव देखा है, तो बेटा आज से बाद तुम हर दिन लाइव देखो, बेस्ट सेशन, बेस्ट नोट्स, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी आपको मिलती है मेरे सेशन से। तो यार आ जाना, रेगुलर लाइव क्लास होगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन बेटा आपको मिलती है मेरे टेलीग्राम से। अरे गड़बड़ लिखा हुआ है, टेलीग्राम गड़बड़ लिखा हुआ, रुको मैं ठीक करके लिखती हूँ। तुमने बताया ही नहीं मुझे कि मैम आपने ना कोलोन की जगह क्या लगा दिया। रुको दो मिनट, थोड़ा चैट धीरे करो। हाँ अब ठीक है। अब मेरे ख्याल से खुल जाएगा, रुको। यस नाउ इट्स ओपनिंग, नाउ इट्स ओपनिंग। ठीक है बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल से ना मेरे से ही नोट्स डिलीट हो गए गलती से, मैं कोई बॉट लगा रही थी बट दे गॉट डिलीटेड। तो मैं इनको दोबारा भेज दूंगी आपको, मैं दोबारा भेज दूंगी। जरा एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए बेटा, विल्लाए का इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है वो दो चीजें बनाती है, ऊपर की साइड पे देखेंगे तो विल्लाए, नीचे की साइड पे देखेंगे तो क्रिप्ट्स। ठीक है, ये क्या है? क्रिप्ट्स। तो याद रखना है ये कौन से क्रिप्ट्स हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन, और ऊपर के साइड पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, विल्लाए। ठीक है, विल्लाए, विल्लाए के बीच का स्ट्रक्चर आप देखिए क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ये जो रेड और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल है, एब्जॉर्प्शन में काम लेते हैं, और सेंटर में आपको येलो कलर की एक लिम्फैटिक वेसल दिखाई दे रही है, एंड दैट लिम्फैटिक वेसल इज लैक्टील। ठीक है, इट्स अ लार्ज लिम्फैटिक वेसल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए, फैटी एसिड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें लैक्टील्स चाहिए होती हैं। और नीचे जो दिखाई दे रहे हैं दीज आर कॉल्ड दैट कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन। तो क्या होता है, एक पहाड़ है फिर एक वैली है, फिर पहाड़ है फिर एक वैली है। ठीक है, पहाड़ वैली, पहाड़ वैली, पहाड़ वैली, ऐसे चलता है मामला। ठीक है, पहाड़ वैली, इस तरीके से मामला चलता है। अब चलते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा सबसे पहले अपन लोग करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड जो कि ट्यूब से बाहर है। ट्यूब से बाहर कौन से ग्लैंड है? यस रुकिए, हाँ हाँ जी दिखा दूं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे पहला ग्लैंड जो हम करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं, सलाइवरी ग्लैंड। लुक एट दिस बेटा, राजू भाई को ले आए, राजू भाई ने फिर से अपनी कुर्बानी दी, कह रहे ठीक है यार मुझे डाइसेक्ट करके देख लो, मेरा सलाइवरी ग्लैंड दिखा दो, दिखा दे, दिखा दे। यस तो यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, सलाइवरी ग्लैंड कितने तरीके के हैं, थ्री टाइप्स, तीन इधर पेयर में है, टोटल कितने हो गए, छह हो गए, थ्री का पेयर है, तीन इधर थ्री पेयर यानी कि सिक्स। पहला द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो आपके कान के नीचे और कान के सामने, उसका क्या नाम है, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये पेरोटिड है। ठीक है, दिख रहा है। देन बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट एट द एंगल्स ऑफ द जॉ, इसको मैं डाइसेक्ट करती हूँ, रुकिए, हाँ अब दिखेगा, ये देख रहे हैं एंगल्स ऑफ द जॉ में, दिस इज सब मैंडिबुलर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब मैंडिबुलर जॉ, जहां पे दाढ़ी आती है ना लड़कों की, ये लड़कियों की भी आती है खैर, ये जो हिस्सा है दिस इज सब मैंडिबुलर। और बेटा आपकी टंग के नीचे, आपकी टंग के नीचे, यस ये दिख रहा है सबलिंगुअल, ये जो टंग के नीचे है सबलिंगुअल है, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। देन बेटा ये दाढ़ी वाली जगह पे सब मैंडिबुलर है, और ये जो कान के आगे और सामने ये है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। सवाल आता है क्या ये सलाइवरी ग्लैंड आपकी एलिमेंट्री केनाल के अंदर है या फिर बाहर है, बताइए अंदर है या फिर बाहर है, बताओ। अंदर या बाहर, क्वेश्चन है अंदर है या बाहर है, मैंने सब लिखा हुआ बेटा नोट्स में सब कुछ है, डोंट वरी, बाहर है, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सिचुएटेड आउटसाइड है। ठीक है, आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, सो दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द गट। ठीक है, आउटसाइड द गट, ये जो पेरोटिड है वो चीक पे है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी कहां पर है बेटा, लोअर जॉ में, सब लिंगुअल कहां है, बिलो द टंग में। काम क्या है, काम क्या है बेटा इन तीनों का, इन तीनों का काम है ये सलाइवरी जूस सिक्रीट करते हैं, यानी कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। एक मिनट, यस लेट मी
राइट डाउन देयर डिफरेंस. बेटा इस समय कॉल मत करें, आप ही के कॉल आते हैं क्लास के बीच में, जान के करते हैं, है ना, जान के करते हैं. तो पेरोटिड, सब मैंडिबुलर, या फिर इसका नाम है सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल. सब लिंगुअल, ठीक है जी. हाँ जी, पेरोटिड की अगर बात करें, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. लोकेशन मैंने बता दी है, ये क्या है, लार्जेस्ट. थ्री पेयर है टोटल, छह हो गए, ठीक है. ये जो है ये जो सब मैंडिबुलर है, सब मैक्सिलरी है, ये बेटा बीच का है, ये बीच का है, मीडियम साइज है इसका, और ये स्मॉलेस्ट है. बंदा सोचता है कि यार ये तो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है तो मैक्सिमम सलाइवरी सिक्रीशन इससे होता होगा, बट ऐसा नहीं है. मैक्सिमम सलाइवा यहां से आता है, मिनिमम सलाइवा यहां से आता है, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहां पर मीडियम सलाइवा आता है. अब यार है तो क्या ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर, गट से बाहर, तो इनको क्या चाहिए, डक्ट चाहिए. इनको क्या चाहिए बेटा, डक्ट चाहिए. तो पेरोटिड के पास अपनी डक्ट है जिसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट. सब मैंडिबुलर के पास भी अपनी डक्ट है जिसका नाम है वॉटन्स डक्ट, और लिंगुअल के पास भी है जिसका नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस. डक्ट ऑफ रिवीनस, तो इन डक्ट की मदद से ये अपनी सिक्रीशन को बकल कैविटी में डालते हैं. इनकी सिक्रीशन है क्या, तुम बोलोगे इनकी सिक्रीशन है सलाइवा. थलाइवा नहीं है बेटा, थलाइवा नहीं है. बच्चे सोच रहे हैं मैम थलाइवा के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं बेटा, इनकी सिक्रीशन क्या है, सलाइवा है ना. सलाइवा के अंदर क्या क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, खूब पानी है, म्यूसेंस है, ठीक है. एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सलाइवरी अमाइलेज एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है. ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन. क्या है, टाइलिन. और बेटा आपको क्या मिलेंगे, लाइसोजाइम मिलेंगे, विच आर एंटी बैक्टीरियल. और बेटा आयंस मिल जाएंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो इसको एक्टिवेट करता है, HCO3 नेगेटिव, थायोसाइनेट आयन, HCN नेगेटिव, HCN नेगेटिव. ये सारे सामान किसके अंदर मिलेंगे, आपको सलाइवा में मिलेंगे. सलाइवरी अमाइलेज का काम वैसे मैं अभी फिजियोलॉजी में आपको कराऊंगी, बट फिर भी सुन लीजिए, ये स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ता है, एंड दैट इज माल्टोज एंड डेक्सट्रिन्स, माल्टोज में तोड़ देता है. ओके जी, यस, ठीक है बेटा. चलिए, तो ये बात हो गई सलाइवा की, सलाइवरी ग्लैंड की. अगले जो ग्लैंड हम करने वाले हैं वो ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड. नेक्स्ट ग्लैंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा पता है कितने हैं, सोच के देखो कितने होंगे. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नंबर 35 मिलियन. सारे पढ़ सकते हो, ये तो 6 ही थे बेचारे, 3 इधर 3 इधर, ये तो 6 ही थे ना, वो कितने हैं, 35 मिलियन. यार सबको नहीं पढ़ा जा सकता. हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वेरियस टाइप के सेल्स पढ़ेंगे. हम क्या पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल एक यूनिसेल्युलर ग्लैंड है, एक इकलौता यूनिसेल्युलर ग्लैंड है. और कोई बेटा बॉडी में आपको यूनिसेल्युलर ग्लैंड नहीं मिलेगा, गॉबलेट सेल है, इकलौते यूनिसेल्युलर ग्लैंड है. ठीक है बेटा, क्या काम है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं. देन बेटा अगला सेल इसमें आता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज ओपी सेल्स. बेटा ओपी हो जाए चैट सेक्शन में, ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल. ठीक है, ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल कौन है, ये ओपी सेल्स हैं कि नहीं है बेटा. जाइए फिर अमन जी, 2 मंथ्स में, कीर्ति लोहार कह रही है 2 मंथ्स में सिर्फ बायो कर लूं क्या 300 के लिए. बेटा 300 नंबर में क्या मिलेगा बताओ. क्या कह रहे हैं, 2 मंथ्स में सिर्फ बायो कर लूं. बेटा सिर्फ बायो करोगे तो राजू भाई देखने का मौका नहीं मिलेगा, राजू भाई देखने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर राजू भाई को सच में देखना है, फील करना है, तो 600 नंबर चाहिए, 300 नंबर नहीं चाहिए. ओपी कैसे होगा राजू भाई ओपी, ठीक है राजू भाई ओपी कैसे होंगे यार, 600 नंबर चाहिए. 300 नंबर में कुछ नहीं होता, नथिंग. हां जी बेटा, मेरा ये क्रैश कोर्स 11th और 12th दोनों के लिए, सिर्फ 12th के लिए, सिर्फ 11th के लिए नहीं है. 12th तो मैंने अभी फास्ट ट्रैक रिवीजन में पूरी कराई है, 11th अभी हम करेंगे, फिर 12th को दोबारा मैराथन में रिवाइज करेंगे. ठीक है,
यस गाइस, पूरी बायो होगी, पूरी बायो होगी, ठीक है। 650 ओपी एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, बेटा अभी तो पूरा कराया। ये कौन बच्चे हैं, पकड़ो इस बच्चे को, जरा मैं पकड़ती हूँ, रुको। शिवानी सत्या, प्लीज गो एंड चेक आउट माई लिंक ट्री। आप जाइए मेरा लिंक ट्री देखिए, आपको पूरा एनाटॉमी मिल जाएगा, पूरा फिजियोलॉजी, एवरीथिंग। मैंने पूरा बायो करा रखा है यार, पूरा बायो करा रखा है। अब तो रिविजन चल रही है, रिविजन चल रही है, ठीक है। 650 में एम्स दिल्ली नहीं मिलता है, 650 में एम्स दिल्ली। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जब तक इसके पेट में, देखो पेट में खाना 4 to 5 hours रहता है। आपने जो खाना मुंह में खाया उसका बॉल बनेगा, बोलस बनेगा। वो बोलस बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए पहुंचता है आपकी स्टमक में, ठीक है। स्टमक में खाना कितनी देर रहता है, 5 घंटे, 4 से 5 घंटे रहता है इस जे शेप स्ट्रक्चर में। तो अभी राजू भाई ने जो सुबह मेथी पालक खाया था वो डाइजेस्ट हो रहा है इनका, क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, राइट। यस ऑफ कोर्स बेटा, बॉटनी भी होगी, मैं बॉटनी भी पढ़ाती हूँ, जूलॉजी भी पढ़ाती हूँ। आप एक बार मेरा लिंक ट्री जाके गूगल करो यार, तुम गूगल से पूछते क्यों नहीं हो, सीरी से पूछ लो। लेट मी आस्क सीरी, हाँ लेट मी आस्क सीरी, रुको इसका आवाज़ तेज करती हूँ, पूछ के देखें सीरी को पता है, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर सीरी को नहीं पता हुआ, अगर सीरी को नहीं पता हुआ तो मेरी बेइज्जती। ओके हे सीरी, can you open C Pahuja link tree? You'll need to unlock your iPhone first. Okay. Hey Siri. Can you open C Pahuja's link tree? Hey Siri. वो कह रहा है C Pahuja laundry. Okay. Let me try again. ओके हे सिरी, बोल ले भाई, बोल ही नहीं रहा। हे सिरी, ओपन गूगल। गूगल तो खोल दिया इसने, गूगल खोल दिया। ओके हे सिरी, कैन यू ओपन सीप पाहुजा लिंक ट्री? हे सिरी, बेटा झूठ बोल रहा, इसको नहीं पता है, ऐसे कैसे नहीं पता है, कह रहे डू यू हैव एन ऐप नेम्ड सी पाहुजा। हे सिरी, सी पाहुजा सेंट अ न्यू मैसेज, डियर कस्टमर यू हैव अ मिस कॉल फ्रॉम +919 billion। पता नहीं क्या बोल रहा है यार ये, इसने मेरी बेइज्जती करा दी। आप सी पाहुजा ओपी हो जाना जी, दिस इज बैड। सीरी सेइंग कि क्या आपके पास लिंकड्इन नामक ऐप है, इसको समझ नहीं आ रहा कि गूगल पे जाना है। ही दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट वर्किंग। सही में इसने मौज कर दी, हटाओ इसको। चलो बेटा ओपी सेल्स के बारे में बात करते हैं। ओपी सेल्स के बारे में बात करते हैं, ओपी सेल्स क्या रिलीज करते हैं, HCL और बेटा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। HCL के बहुत सारे काम है। HCL बेटा PCZ के द्वारा, PC यानी कि पेप्टिक सेल, चीफ सेल भी है इनका नाम, और जाइमोजेनिक। बेटा अब मैं गुस्सा हूं सिरी से, सिरी हे सिरी हे सिरी, आई एम पिस्ट। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय हे सिरी, आई एम पिस्ट, हाउ अबाउट अ वेब सर्च फॉर इट। कुछ नहीं समझ आ रहा बेटा इसको, कुछ नहीं समझ आ रहा। यस है ना, तो यार ये घटिया सीरी हमारा आंसर नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं इसको सिखा के कल लेके आऊंगी, कल बेटा पक्का इससे मैं लेके आऊंगी। फटाफट से लाइक कर दो यार, इस सीरी को छोड़ के मेरे लिए लाइक कर दो सेशन को। इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं बट मैं देख लू, लाइक का नंबर कम है, फटाफट से लाइक कर दीजिए यार। HCL का क्या काम है, अगले पेज पे करते हैं। ये जो HCL है ना बहुत सारे काम करता है। PCZ के द्वारा जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीएज है, ओजन लग गया इनएक्टिव है, इसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, ठीक है। प्रोरेनिन जो कि बच्चों में रिलीज होता है, रेनिन विद डबल एन है, इसको कन्वर्ट करेगा रेनिन विद सिंगल डबल एन में, ठीक है। प्रो हट जाएगा, प्रो जो है और ओजन जो है वो इसको बेटा, वो इसको क्या बनाता है,
इनएक्टिव बनाता है। तो HCL का पहला काम तो ये है कि एक्टिवेट करना। दूसरा बेटा HCL का काम है बहुत सारे माइक्रोब्स को किल करना, सो इट किल्स मेनी माइक्रोब्स। और बेटा HCL का काम पता है क्या, आप जो आयरन खा रहे हो, ठीक है, आयरन आप Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में खा रहे हो, बट Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, आयरन को कन्वर्ट करता है इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दैट इज Fe2 पॉजिटिव। यानी कि अगर तुम्हारे ओपी सेल खराब हुए, ये बेटा पीवाई क्यों बता रही हूं, अगर तुम्हारे ओपी सेल खराब हो गए तो क्या HCL आएगा? तुम बोलोगे फिर HCL भी नहीं आएगा। HCL अगर नहीं आया तो क्या होगा, HCL नहीं आया तो एक तो तुमको हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बेटा आयरन खाते हुए भी आयरन खाते हुए बेटा तुमको एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि HCL नहीं है, ओपी सेल नहीं है तो HCL नहीं है। और क्या हो जाएगा, और बेटा अगर ओपी सेल खराब हुए, बेटा मेरे पास ना मेरी दवाई होती थी, अगर ओपी सेल खराब हुए तो CIF नहीं आएगा। CIF का क्या काम था, CIF का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, ये जो विटामिन B12 है इसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर ओपी सेल नहीं आए तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से तुमको हो जाएगा परनीशियस एनीमिया। क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो दो तरीके के एनीमिया हो सकते हैं ओपी सेल के खराब होने से, वन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अदर वन इज परनीशियस एनीमिया, ठीक है। ओके जी, चलिए, तो ये बात हो गई आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए। अब आ जाइए लिवर पे। लिवर क्या है बेटा, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, लिवर। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात होती तो वो थायराइड होता, ये क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा कौन सा है, लिवर। कितना वेट है, अराउंड 1.5 किलो, 1.5 किलो। ये जो लिवर है ये भी एक्सेसरी ग्लैंड है, क्योंकि आपकी डक्ट से एलिमेंट्री कैनाल से बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्राम। अब यार ये जो लिवर है इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, देख रहे हो लिवर में 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, राइट लोब थोड़ा सा बड़ा है और लेफ्ट लोब क्या है, छोटा है। इन लोब्स के अंदर तुमको मिलता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, दैट इज कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, तुम बोलोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नन अदर देन द हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल कैसा दिखता है बेटा, इस तरीके से पेंटागनल या फिर हेक्सागनल स्ट्रक्चर होता है, पेंटागनल या फिर हेक्सागनल स्ट्रक्चर होता है। यस बेटा, पेंटागनल या फिर हेक्सागनल स्ट्रक्चर होता है। अब यार ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, दीज आर एक्चुअली कवर्ड बाय अ फाइब्रस शीथ जिसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। यहां मैं लिख देती हूँ, ये रहा बेटा ग्लिसन्स कैप्सूल, एक थिन कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस शीथ है विच कवर्स हेपेटिक लोब्यूल्स एंड लोब्स। लिवर के लोब्स को भी कवर करती है और लोब्यूल्स को भी कवर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ग्लिसन्स कैप्सूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्लिसन्स कैप्सूल एक कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों जो बेटा लोब्स है दीज आर एक्चुअली जॉइंड बाय फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, दिख रहे हैं, बोथ द लोब्स दीज आर जॉइंड बाय फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। ओके जी, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब लिवर का काम क्या है, तुम बोलोगे लिवर के अंदर जो सेल्स है दीज सेल्स आर कॉल्ड एज हेपेटिक सेल्स। क्या नाम है बेटा, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल क्या सिक्रीट करेंगे, बाइल जूस सिक्रीट करेंगे। ये जो बाइल जूस है डक्ट्स के द्वारा होता हुआ किसके पास जाएगा, पित्त की थैली के पास। पित्त की थैली कौन है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के पास जाकर स्टोर भी होगा और कंसंट्रेट भी होगा। राजू भाई का देख लें फटाफट से, राजू भाई का जब हम देख रहे हैं ये रहा दिख रहा है, यस फ्रंट साइड देख लीजिए, ये रहा फ्रंट साइड से। Now you will be able to see the liver. Liver is the largest exocrine gland. Endocrine में thyroid है। ये आपका बेटा left lobe है। Left lobe आगे divided है। ये सारा क्या है? Right lobe है। अब liver के पास यहाँ क्या present है? पित्त की थैली। Can you see? Yes, बेटा। Can you see this structure? This is called as gall bladder. यानी कि liver से निकलती हैं ducts। ये देखिए ducts। Duct system मैं अभी खुद से draw करूँगी।
डक्ट सिस्टम में ड्रॉ करूंगी, ये दो डक्ट निकली और बेटा किसके पास जाएंगी, पित्त की थैली के पास जाएंगी यानी कि गॉल ब्लैडर के पास जाएंगी। गॉल ब्लैडर इसको क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा और स्टोर करके बैठा रहेगा, यानी कि बेटा गॉल ब्लैडर भी कई बार प्रॉब्लम आने पर रिमूव कर देते हैं। खैर ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, बट इसके बिना भी काम चल सकता है क्योंकि ये कुछ बना नहीं रहा था, ये सिर्फ स्टोर कर रहा था। क्या लिवर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड बनाते हैं? दूसरी चीज, लिवर बेटा कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं बनाते हैं, याद रखना है लिवर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं बनाते हैं, सिर्फ बाइल जूस बनाते हैं। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स हैं और बाइल पिगमेंट्स हैं, ये मैं भी लिख देती हूँ, ठीक है। ये सारा डक्ट सिस्टम है, अल्टीमेटली बेटा ये सारी डक्ट आके खुल जाती है किसमें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, किसमें खुल जाती है, पीछे से देखते हैं पैनक्रियाज में, देख रहे हो पैनक्रियाज में आके सारा डक्ट सिस्टम जो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि सारा का सारा बाइल जूस किसके पास आएगा, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज इस बाइल जूस को किसको दे देगी, आपके ड्यूडेनम को दे देगी, ड्यूडेनम को दे देगी। तो एक बारी मैं खुद से बना देती हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बना दो यस बेटा बता दो बेटा गला कोशिश करो कि मेरा साथ दे पूरा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट जो मैं बनाने वाली हूं। इधर वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट लूप है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड और राइट साइड से निकलेगी डक्ट, हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट साइड से निकली लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट साइड से निकली राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों हिपैटिक डक्ट जुड़ के बना ली कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो लेबल कर लेते हैं, दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है बच्चों, ये जो यहां पर निकली दिस इज राइट हिपैटिक डक्ट, यस राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों डक्ट मिलकर क्या बनाई, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। बेटा जिस जिसको मजा आ रहा है ना सेशन देखने में, 3D में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो यार फटाफट से सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कितना बुलवाओगे। ये जो डक्ट बेटा गॉल ब्लैडर को जा रही है, दिस इज गॉल ब्लैडर, इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, यस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है सिस्टिक डक्ट। देन बेटा सिस्टिक डक्ट और ऊपर से आ रही कॉमन हिपैटिक डक्ट में से निकलेगा फाइनली बाइल जूस और वो पहुंच जाएगा कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये खुशी प्रजापति क्यों कॉल कर रही हैं, क्लास में नहीं बैठी है क्या, ये क्या चाहते हो बेटा, आपका नाम अनाउंस हो कि तुम मुझे फोन करो और फिर मैं बोलूं हाँ हाँ इस बच्चे का कॉल आ रहा है। बेटा आपको नंबर इसलिए दिया कि आप यहाँ पर ऐसे बीच में कॉलें करें, आपको नंबर किस लिए दिया हुआ, मेरा तो मन कर रहा है कॉल उठा के बच्चों क्लास में डांट दिया जाए। कॉमन बाइल डक्ट बेटा किसके अंदर जा रही है, कॉमन बाइल डक्ट जा रही है आपके पैनक्रियाज में। ये क्या है आपका पैनक्रियाज, अनदर एक्सेसरी ऑर्गन, पैनक्रियाज में चल रही थी पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ऊपर से आई कॉमन बाइल डक्ट, ऊपर से आई कॉमन बाइल डक्ट, ये जुड़ी आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट से और अल्टीमेटली बेटा इसने क्या बना लिया, अल्टीमेटली यहां पर बना ली हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, अल्टीमेटली बेटा यहां पर क्या बना ली हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको यहां से जोड़ देते हैं अल्टीमेटली, यस दिस ग्रीन वन इज कॉल्ड एज हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि इसमें हिपैटिक जूस भी है और पेनक्रियाटिक जूस भी है, एंड दिस हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट इज गोइंग टू ओपन इन टू द ड्यूडेनम बाय फॉर्मिंग एन एम्पुला ऑफ वेटर। यहां पर एक वाइड हिस्सा बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है एम्पुला ऑफ वेटर। अब बेटा रस्ते में आपको मिलते हैं कुछ स्फिंक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां कहां पर ये स्फिंक्टर मिलेंगे। फर्स्ट स्फिंक्टर जो आपको मिलेगा कहां पर मिलेगा, जहां पर ये जो अपनी कॉमन बाइल डक्ट है पेनक्रियाटिक डक्ट में खुलती है, यानी कि फर्स्ट जो आपको मिलेगा यहां मिलेगा, यस सेकेंड बेटा यहां पर मिलेगा। ये जो फर्स्ट स्फिंक्टर आपको मिला है दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट वेयर कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द पेनक्रियाटिक डक्ट। सेकंड जो स्फिंक्टर है दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इट इज प्रेजेंट वेयर हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम। कैसे याद रखोगे, एबीसीडी में से पहले क्या आता है, पहले क्या आता है बेटा, बी आता है फिर आता है ओ, तो पहले रस्ते में बी आएगा फिर आएगा ओ, ठीक है। अब कई बार बेटा कॉमन बाइल डक्ट का आपको सेकेंड नाम भी दिया होता है जिसका नाम है डक्टस कोलिडोकस, ओके तो ये हो गया डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास, यस
तो ये बात हो गई अपनी, ये मैंने डायग्राम आपको सिखा दिया है। यहाँ पर पेनक्रियास देख लो बेटा, बिटवीन द सी शेप स्ट्रक्चर है। पेनक्रियास के बारे में खास बात है, ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन बेटा होता है जिसमें एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी हो और एंडोक्राइन सिक्रीशन भी हो, एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। एक्सोक्राइन यानी कि एंजाइम्स रिलीज करेगा। पेनक्रियास के जो बेटा एंजाइम्स हैं, दे फॉर्म द रिचेस्ट जूस। रिचेस्ट जूस, रिचेस्ट जूस का मतलब है कंप्लीट जूस बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पेनक्रियाटिक एंजाइम में आपको सब मिलेगा। यहां पर लिख दूं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस की बेटा अगर बात करें तो इसमें बेटा तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाले। इसके अंदर बेटा तुम्हें प्रोटीएज भी मिल जाएंगे, इसके अंदर तुम्हें न्यूक्लिएज भी मिल जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड तोड़ने वाले। इसके अंदर लाइपेज भी मिल जाएंगे, फैट तोड़ने वाले। इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है कंप्लीट जूस और द रिचेस्ट जूस। ठीक है, एंडोक्राइन इसको इसीलिए बोला गया है बिकॉज इट रिलीजेस हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागन एंड सोमैटोस्टैटिन। तो ये बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा है पैनक्रियास। ठीक है, दिखाई दे रहा है पैनक्रियास। ठीक है, अब लिख दूं कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो यार यहां पर प्रेजेंट है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है? अमाइलोप्सिन। देखो 30% स्टार्च आपके माउथ में सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन बचा हुआ 70% ये करते हैं। प्रोटीएज करें तो बहुत सारे हैं, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ही है। लाइपेज बेटा पेनक्रियाटिक लाइपेज, जिसको बोला जाता है स्टियाप्सिन। ये मेजर लाइपेज है, ये एक मेजर लाइपेज है। ठीक है, ओके तो पैनक्रियाज हो गया। विद दिस वी आर डन विद होल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक और ग्लैंड के बारे में बेटा मैं यहां पर बात करना चाहूंगी, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होते हैं यार। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में से निकलता है जूस और उस जूस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एज सक्कस एंटेरिकस। क्या बोला जाता है? सक्कस एंटेरिकस। इसमें क्या क्या सामान है? इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुक्रेज है, माल्टेज है। ठीक है, इसके अंदर भी प्रोटीएज है, जैसे कि डाइपेप्टिडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, जैसे कि अमाइनोपेप्टिडेजेस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा मैं लिख रही हूं। देखो अगर आपने मेरे नोट से रिवाइज कर लिया तो यार तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स तुम्हारे बन रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स तुम्हारे बन रहे हैं। न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस। हां जी बेटा, सो विद दिस वी आर डन विद इंटेस्टाइन। यस, बताइए सही है? हां, डन। तो अब बेटा हम लोग आने वाले हैं लास्ट पार्ट पे। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द फिजियोलॉजी। अभी तक हमने क्या की? अभी तक बेटा जी हमने की एनाटॉमी, पूरा स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या हिस्से हैं, कहां कहां पर कौन से ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम फिजियोलॉजी देखेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाया तो कैसे डाइजेस्ट हुआ, दाल खाया तो कैसे डाइजेस्ट हुआ, बटर खाया तो कैसे डाइजेस्ट हुआ। थके तो नहीं बेटा? हां जी बेटा, थक तो नहीं गए? देखो पहले दिन ही थक जाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी, पहले दिन ही थक जाओगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे बात बनेगी यार? फटाफट से बता दो कि मैम हम थके नहीं है, वी आर सुपर डुपर रेडी टू कंप्लीट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। क्लास का डिटेल टाइम टेबल, यस क्लास का डिटेल टाइम टेबल आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मैंने पिन कर रखा है, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इट, मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इट। ठीक है, जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रहना है ना, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी पॉइंट्स आपको बताऊं। अगर आपने डिटेल में कभी नहीं पढ़ा तो हो सकता है इक्का दुक्की आपको
डाउट आए उसके लिए बेटा आप मेरा लिंकड्इन में डिटेल सेशन भी देख सकते हैं। वैसे बेटा मेरी क्लास की यूएसपी है, इसमें डाउट आता नहीं है बच्चों को, क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ती नहीं हूँ। आई डोंट लीव एनी थिंग। ओके चलो सुपर डुपर रेडी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। चलो थोड़ा सा यहाँ से बताती हूँ, फिर मैं चार्ट बनाऊंगी, टेबल बनाऊंगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देख लो, खाना खाया, आपके दांत ने, आपकी टंग ने, सलाइवा ने मिलकर उस खाने को डाइजेस्ट किया, मैस्टिकेट यानी कि चू किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, सलाइवा उसके साथ मिक्स हुआ जिसने उसको ल्यूब्रिकेट किया, उसको जोड़ा और बॉल बना ली जिसका नाम है बोलस। तो आपकी स्टमक में किसकी एंट्री होती है? बोलस की एंट्री होती है। ये बोलस फिर आप डेग्लूटेशन करोगे। ये डेग्लूटेशन क्या होता है? डेग्लूटेशन का मतलब होता है स्वॉलोइंग। आपने स्वॉलो किया, ये बोलस पहुंच जाएगा तुम्हारे फेरिंग्स में, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। देन बेटा फेरिंग्स से कहां पहुंचेगा? इसोफेगस में, ठीक है, जहां पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, सिर्फ पेरिस्टाइसिस हो रही है, और नीचे धक्का लगा दो। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्रॉस करते हुए पहुंच जाएगा बेटा तुम्हारी स्टमक में। तो अगर कोई पूछे कि स्टमक में एंट्री किसकी होती है, तुम बोलोगे स्टमक में एंट्री बोलस की होती है। किसकी होती है? बोलस की होती है। अब यार स्टमक में जाने से पहले खाना कुछ देर तो तुम्हारे मुंह में रहा। यस, खाना बेटा कुछ देर तो तुम्हारे मुंह में रहा, तो जो तुम्हारे मुंह में था सलाइवा, सलाइवा ने इस खाने के ऊपर करा एक्शन। क्या करा? खाने के ऊपर करा एक्शन। तो मैं बेटा खुद से पहले लिख दूं, फिर तुम यहां पे आ जाना। तो पहले हम करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब तक मैं लिखूं ना बेटा, मेरे ना हजम नहीं होता मुझे खाना। वैसे तो ये बात है टीचर की, है ना, जब तक मैं ना लिखूं तब तक बेटा मुझे खाना हजम नहीं होता। तो सबसे पहले बेटा चलते हैं आपके माउथ में, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में मैंने स्टार्च को, कितने परसेंट स्टार्च को? 30% स्टार्च को तोड़ा विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की मदद से मैंने इसे तोड़ा और क्या बना लिया? मॉल्टोज बना लिया, डाइसेकेराइड है प्लस डेक्सट्रेंस बना लिए, ठीक है। यानी कि माउथ में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, कितना? 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, कंप्लीट डाइजेशन के लिए हमें ग्लूकोज बनाना पड़ेगा। अभी इनकम्प्लीट है, अभी डाइसेकेराइड है और ऑलिगोसेकेराइड है। डेक्सट्रेंस आर द ऑलिगोसेकेराइड, दिस इज द डाइसेकेराइड, ठीक है जी। अब स्टमक में आ जाइए। स्टमक में बेटा मेरे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, सलाइवरी अमाइलेज डीनेचर हो गया है। क्यों? क्योंकि पीएच स्टमक में बहुत कम है। यहां पर तो पीएच कितनी थी? 6.8। ये 6.8 पर ही काम करते हैं। स्टमक में बेटा पीएच बहुत नीचे गिर जाती है, 1.2 हो जाती है। यहां पर सलाइवरी अमाइलेज खराब, यहां पर कुछ नहीं हो रहा। देन आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें मिली, एक तो इसको मिला पेनक्रियाटिक जूस, दूसरा इसको मिला सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अगर बात करें पेनक्रियाटिक जूस की, तो जो 70% स्टार्च बचा है इसको ये तोड़कर फिर से क्या बना देगा? मॉल्टोज बना देगा। कौन? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलोप्सिन। पेनक्रियाटिक अमाइलेज इस 70% स्टार्च जो ऊपर बच गया था उससे बना देगा मॉल्टोज, और फिर बेटा ये मॉल्टोज आगे टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ मॉल्टेज जो कि उसको मिला सक्कस एंटेरिकस में, इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, डेक्सट्रेंस भी टूट जाएंगे इनटू 5 to 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास डेक्सट्रिनेज भी है, डेक्सट्रेंस भी टूटे, डेक्सट्रिनेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास था, और बना लिए 5 to 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अब जाके हम सोच सकते हैं कि स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ। अब जाकर बेटा स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, 30% इन माउथ, 70% विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, और बचा हुआ इंटेस्टाइन ने कर दिया। बात करते हैं बेटा सुक्रोज की। आपने शक्कर भी तो खाया, सुक्रोज की डाइजेशन के लिए सीधा चलो इंटेस्टाइनल जूस में। यहां पर मौजूद है सुक्रेज और उससे बना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर चलिए अपने दूध पर, दूध में जो शुगर है, मिल्क शुगर, दैट इज लैक्टोज, मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज। इस मिल्क शुगर से लैक्टेज आया, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब यार तुमने खीरा भी तो खाया, खीरा में क्या खाया? तुम बोलोगे मैंने खीरे में खाया सेल्यूलोज। क्या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का हमारे पास सामान है? नहीं है, वी डू नॉट हैव सेल्यूलेज, वी डू नॉट हैव सेल्यूलेज।
ये सेल्यूलाइज होने की प्रॉपर्टी ये गाय भैंसों में है, ठीक है, र्यूमिनेंट्स में है। हम लोग र्यूमिनेंट्स नहीं है, हमारे पास इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है। हमारे में जो सेल्यूलोज है इट एक्ट्स एज रफेज। किसका काम करता है बच्चों? रफेज, ताकि आपकी बावल मूवमेंट ठीक रहे। भैया जो लोग सलाद नहीं खाते ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, कब्जी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी। फिर लेके घूमते हैं गर्म पानी पी रहे हैं, हो नहीं रहा, अंदर जम गई, ये हो गया। बेटा सलाद खाइए, सलाद खाएंगे तो प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। यस यस बेटा, हाँ जी। अब यार देयर इज वन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद बढ़ती उम्र के साथ, सुनना ध्यान से, बढ़ती उम्र के साथ ये जो लैक्टेज है इसका अमाउंट कम होता जाता है। बूढ़े हो जाओगे ना बेटा, 50 साल 55 साल के, तो धीरे धीरे लैक्टेज का अमाउंट कम हो जाता है। अगर लैक्टेज कम हो गया तो तुम्हें दूध तो डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। तो आपने देखा होगा दादी नानी बोलते हैं हमें दूध मत दो, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको हो गई है लैक्टोज इनटॉलरेंस। बढ़ती उम्र के साथ लैक्टेज का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टोज बढ़ जाएगा। लैक्टोज बढ़ जाने की वजह से उनको डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है तुम दूध मत पियो, दूध के दूसरे पदार्थ खाओ, पनीर खाओ, लस्सी पियो, छाछ पियो, ये सब करो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोज इनटॉलरेंस, बढ़ती उम्र के साथ होता है, कई बार छोटी एज में भी हो जाता है, बट मोस्टली इट इज एसोसिएटेड विद एज। ओके जी, मोस्टली एसोसिएटेड विद एज। यस, नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फिजियोलॉजी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश तो हम करते हैं हमारे माउथ में, बट क्या बकल कैविटी में कोई प्रोटीएज है? तुम बोलोगे बकल कैविटी के अंदर तो कोई भी प्रोटीएज नहीं है, वहां तो सलाइवरी एमाइलेज था, ये तो है नहीं। तो यार चलते हैं हम लोग स्टमक में। स्टमक में आप लोग जानते हैं प्रोटीएज है हमारे पास। हमारे पास स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक नहीं दो दो हैं। पहले का नाम है पेप्सिन। देखो पेप्सिन को एक्टिवेट मैंने पहले ही करवा दिया था HCL की मदद से, पेप्सिन ओजन को पेप्सिन बना दिया था। जब पेप्सिन ने एक्ट किया आपके प्रोटीन पे तो क्या बनाया? क्या बनाया बेटा? यस, पेप्सिन ने एक्ट किया पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस। और बात करें बेटा बच्चों में, किस में? इन्फेंट में। इन्फेंट में बेटा पेप्सिन का अमाउंट होता है कम, ध्यान से सुनना, पेप्सिन कम होता है, therefore they have renin, ठीक है। रेनिन बच्चों के प्रोटीन, बच्चे बेटा क्या खाते हैं? दूध पीते हैं, कुछ खाते तो है नहीं, दूध पीते हैं। दूध में क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रोटीन है केसिन। केसिन को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे चाहिए रेनिन। रेनिन आया, रेनिन ने क्या बना दिया? पैराकेसिन बना दिया, पैराकेसिन। इस पैराकेसिन के साथ कैल्शियम जुड़ता है और बना देता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। इस कैल्शियम पैराकेसिनेट पे अब जाकर बचा हुआ पेप्सिन एक्ट करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों में पेप्सिन होता नहीं है, होता है, कम होता है। कम होने की वजह से उनका आधा काम रेनिन कर देता है, आधा काम रेनिन कर देता है। तब जाके बेटा इसका कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाएगा पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस। ये जो कैल्शियम पैराकेसिनेट बना है, इस सिचुएशन पर दूध की दही बन चुकी है, दूध की दही बन चुकी है। इसको बोलते हैं हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क। पेट के अंदर बेटा, पेट के अंदर बच्चे के दूध की दही बन जाती है, इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। डन? यस बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो प्रोटीन स्टमक में इस तरीके से प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में टूटा। अब यार जो फूड स्टमक से निकलता है, ध्यान देना बेटा, जो फूड स्टमक से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं काइम। जो फूड माउथ से निकला बोलस, जो स्टमक से एग्जिट लिया काइम, एंट्री नहीं। स्टमक में एंट्री तो किसकी होती है? स्टमक में एंट्री तो तुम बोलो कि बोलस की होती है, लेकिन स्टमक से एग्जिट किसका होता है? काइम का होता है। ये जो काइम है ये जाएगा आपके ड्योडेनम में, ठीक है, ये जो काइम है ये जाएगा आपके ड्योडेनम में, ठीक है। चलो अब स्टमक से एग्जिट ले लो, एग्जिट याद रखना है, क्या है इसका नाम? काइम। इस काइम ने एंट्री मारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगेन इसको दो चीजें मिली, पेनक्रियाटिक जूस मिला, पहले पेनक्रियाटिक जूस मिला। इस पेनक्रियाटिक जूस में कौन था? ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव है ना, ट्रिप्सिनोजन विच इज एन इनएक्टिव एंजाइम। इसको मदद करने के लिए आएगा सक्कस एंटेरिकस,
सक्कस एंटेरिका से एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, ये एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके बना देगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बड़ा खुश कि भैया एंटेरोकाइनेज ने इसको एक्टिवेट कर दिया। चलो पहली ये चीज हो गई। दूसरा बेटा यहां पर प्रेजेंट है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आया? ट्रिप्सिन आया। ट्रिप्सिन ने इसको एक्टिवेट करके बना दिया कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। बाकी काम बेटा ट्रिप्सिन कर ले रहा है, ट्रिप्सिन इज ऑटो कैटालिटिक। देन कौन आया? काइमोट्रिप्सिनोजन। इसको भी एक्टिवेट करने के लिए ऊपर से ट्रिप्सिन आए, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया काइमोट्रिप्सिन में। तो तुम समझ रहे हो बस स्टार्टिंग के लिए मुझे एंटेरोकाइनेज चाहिए। स्टार्टिंग के लिए, थोड़ी देर के लिए बस मुझे एंटेरोकाइनेज चाहिए जो थोड़े से ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दे, बाकी का काम अपना ट्रिप्सिन कर देगा। ट्रिप्सिन ही प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिव करेगा और काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा, क्योंकि ट्रिप्सिन एक ऑटो कैटालिटिक एंजाइम है। पेप्सिन भी था, ट्रिप्सिन भी है। अब प्रोटीन पे आ जाओ। बचा हुआ प्रोटीन जो ऊपर से आ रहा है और जो स्टमक से प्रोटीओजेस आ रहे थे, तो प्रोटीन है हमारे पास, स्टमक से आते हुए प्रोटीओजेस है, ठीक है, और क्या है? पेप्टोन्स है। इनको बेटा डाइजेस्ट करने के लिए आया ट्रिप्सिन जो कि एक्टिवेट हो चुका है और काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिवेट हो चुका है। हमने इससे क्या बना लिए? पेप्टाइड्स बना लिए। क्या बना लिए? पेप्टाइड्स बना लिए, स्मॉलर पेप्टाइड्स, ठीक है, स्मॉलर पेप्टाइड हमने बना लिए। अब यार एक पेप्टाइड ऐसा दिखता है, एक साइड NH2 ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है ना, याद करो बेटा, अमाइनो एसिड से बना होता है, और इस साइड पे क्या होता है? COH ग्रुप। अब यार जो तो साइड ये वाली है, कार्बोक्सिल साइड है, यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कहां से आया? पेनक्रियाटिक जूस से ही आया। और बेटा इस साइड पर एंजाइम एक्ट करेगा अमाइनोपेप्टिडेज। कहां से आया? ये इंटेस्टाइनल जूस से आया, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस से अमाइनोपेप्टिडेज आता है और पेनक्रियाटिक जूस से कार्बोक्सीपेप्टिडेज आता है। दोनों अलग अलग एंड्स पे एक्शन करते हैं, लेकिन कोने पे करते हैं तो ये एक्सोपेप्टिडेज हैं, बीच में एक्शन करने वाले एंडोपेप्टिडेज होते हैं, ठीक है। बीच में एक्शन करने वाले जैसे ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है, बाकी के बचे हुए जो पेप्सिन है ये एक एंडोपेप्टिडेज है, सिर्फ अमाइनो और कार्बोक्सी एक्सोपेप्टिडेज है, ठीक है, एक्सोपेप्टिडेज है। चलो अब चलते हैं सक्कस एंटेरिकस में। कहां चल रहे हैं? हाँ, इंटेस्टाइनल जूस पे एंड करते हैं बेटा इसको, इंटेस्टाइनल जूस पे। इंटेस्टाइनल जूस में क्या है? अमाइनोपेप्टिडेज हो गया। अब जो ट्राई और डाइपेप्टाइड्स हैं, ट्राइपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड, इस पे एक्ट करेगा ट्राइपेप्टिडेजेस, एज लगा देना बेटा बस, और डाइपेप्टिडेजेस क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा बेटा? अल्टीमेटली ये टूट जाएगा अमाइनो एसिड्स में। सो विद दिस वी आर डन विद द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से अल्टीमेटली अमाइनो एसिड बनाना हमारा कर्तव्य था। एक बार यहां देख लो यार, ये कर लिया, ये कर लिया। हाँ जी, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये भी पहले कर लिया था, एंटेरोकाइनेज आ गया। हाँ, यहां तक बेटा हमने डन कर लिया, डन कर लिया। क्वेश्चन विल नॉट हैपन इन दिस लेक्चर बेटा, मैं आपको बता रही हूं, सेशन खत्म होने के बाद मैं आपके साथ ये अमेजिंग PDF जो मैंने लिखी है और बेटा ये जो पूरे नोट्स हैं NCERT बेस्ड, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम पे। दूसरी चीज बेटा मैं आपके साथ PYQ की शीट शेयर करूंगी, और तीसरी चीज बेटा मैं आपके साथ DPP भी शेयर करूंगी इस चैप्टर की। जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे उसके साथ उसके PYQs, उसके साथ उसके DPPs हम लगाते जाएंगे, ठीक है, ओके। बेटा तुम्हें मुझसे मतलब होना चाहिए, क्लास कहाँ हो रही है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, यहां क्यों ले रहे वहां क्यों ले रहे, क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क है? डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को डाइजेस्ट करना आसान नहीं है क्योंकि फैट एक लिपिड है, या फिर इसको बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पहले करना पड़ता है इमल्सीफाई, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल को पहले तुम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे, फिर इस छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद जो बाइल सॉल्ट्स हैं
बताया था ना, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं इससे घेरा डाल लेंगे। ये घेरा डाल के क्या बना लेंगे, मिसेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मिसेल। मिसेल बेटा वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो पहले बेटा इस बड़े से इसको छोटे छोटे में तोड़ा जाएगा, फिर उसके अराउंड बाइल सॉल्ट्स घेरा डाल लेंगे। ये क्या बन जाएगा, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, ये बन जाएगा आपका मिसेल। अब इस मिसेल के ऊपर आपके लाइपेज एक्ट कर सकते हैं, बिना मिसेल के लाइपेज एक्ट कर ही नहीं सकता है। नाउ लाइपेज कैन एक्ट, यानी कि जो फैट पे काम होगा वो पोस्ट इमल्सिफिकेशन ही होगा, ठीक है, पोस्ट इमल्सिफिकेशन ही होगा। बाइल सॉल्ट्स कौन से हैं, सोडियम टोरोकोलेट, टोरोकोलेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। बेटा पोल बेस सेशन ना यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है, हो जाएंगे पोल बेस सेशन में, पहले पढ़ तो लो, ये पढ़ा हुआ छोड़ दूं पढ़ा हुआ तो तो आफ्टर इमल्सिफिकेशन क्या करते हैं आप, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ते हैं, किसकी मदद से, लाइपेज की मदद से। मेजर लाइपेज कौन सा है, इंटेस्टाइनल पेनक्रियाटिक लाइपेज, वैसे गैस्ट्रिक लाइपेज भी है, एक लिंगुअल लाइपेज भी है। बेटा वो किसी काम के नहीं, क्यों, क्योंकि तब तक इमल्सिफिकेशन ही नहीं होती, माउथ में थोड़ा हो जाती है, स्टमक में थोड़ा हो जाती है। तो जब हम इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तब लिवर की हेल्प से पहले इमल्सिफिकेशन होगी, फिर बेटा हम इसको तोड़ेंगे। ट्राइग्लिसराइड ने तोड़ा इनको, ट्राइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, फिर से दोबारा पेनक्रियाटिक लाइपेज आएगा, फिर ये टूटेंगे मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, फिर से टूटेंगे, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लाइपेज आएगा और ये टूट के बना देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरोल। जब ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड बन जाएगा तब जाके बोलेंगे फैट डाइजेस्ट हुए, ठीक है, फैट डाइजेस्ट हुए बेटा। गर्मी हो गई है ना गाइस, हाँ। लाइपेज का दूसरा नाम बेटा एस्टरेज भी है, एस्टर बॉन्ड तोड़ता है ना, एस्टरेज भी है, ठीक है। क्या कोलेस्ट्रॉल को लाइपेज चाहिए होता है, बंदा सोचता है कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक डिराइव्ड लिपिड है, क्या उसको भी लाइपेज चाहिए, तुम बोलोगे नहीं, कोलेस्ट्रॉल को लाइपेज नहीं चाहिए होता, वो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है। आखिरी बचा, आखिरी क्या बचा, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन लास्ट है बेटा, हाँ जी। सबसे पहले बेटा न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए पेनक्रियाटिक जूस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस रिचेस्ट जूस है, कंप्लीट जूस है। तो न्यूक्लिक एसिड पे आए एक्शन करने के लिए न्यूक्लियस कहां से आए, पेनक्रियाटिक जूस से आए। इन्होंने डीएनए आरएनए होता है ना न्यूक्लिक एसिड, इसको तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए आए न्यूक्लियोटाइडेजेस, इंटेस्टाइनल जूस से आए। इन्होंने बेटा इसको तोड़ दिया न्यूक्लियोसाइड में और क्या अलग कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप अलग कर दिया, ठीक है। जिसको डीएनए का स्ट्रक्चर पता वो बता सकता है। देन बेटा यहां पर एक्ट किया न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये भी इंटेस्टाइनल जूस से आया, अब जाकर बनी अपनी शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और ऊपर से वो चलता हुआ तो आ ही नहीं रहा था फॉस्फेट ग्रुप। ये जो दोनों हैं ये आए इंटेस्टाइनल जूस से, ठीक है बेटा। तो विद दिस नाउ वी आर डन विद द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो दोबारा मेरे साथ बोलो, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बच्चों एंड प्रोडक्ट क्या है। कोई तुमसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, तुम बोलोगे मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड मेनली ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड प्रोडक्ट लिख रही हूं बेटा सबके एंड प्रोडक्ट। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तुम बोलोगे अमाइनो एसिड है। फैट का एंड प्रोडक्ट क्या है, तुम बोलोगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल है। फिर न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट क्या है, तुम बोलोगे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। लिपिड का, अच्छा हो गया लिपिड का, लिपिड फैट एक। तो ये है बेटा आपके एंड प्रोडक्ट, दीज आर द एंड प्रोडक्ट। अगर ये नहीं बना मतलब डाइजेशन पूरी नहीं हुई, डाइजेशन पूरी नहीं हुई।
तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हुई समाप्त, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कर लिया। हाँ जी, तो द प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बचा आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है ध्यान दीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल, सर्टेन ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो सब इकट्ठा होकर क्या बना लेगा, फीसिस बना लेगा। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस दे विल कम एंड दे विल क्रॉस द इलियोसीकल वॉल्व। याद है बेटा इलियोसीकल वॉल्व क्या थी, ये आपका इलियम था। इलियम ओपन्स इनटू द ब्लाइंड सैक विच इज कॉल्ड एज द सीकम। ये सीकम है, ये इलियम है, यहां पर प्रेजेंट है बेटा इलियोसीकल वॉल्व। क्या काम है, बैक फ्लो ऑफ फीसिस को प्रिवेंट करता है। यहां से इलियोसीकल वॉल्व को क्रॉस करते हुए जो सामान डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो पहुंच जाएगा रेक्टम में, तब तक स्टोर होगा जब तक तुम अगले दिन लोटा लेकर हल्के होने नहीं जाते। ठीक है, हल्के होने नहीं जाते। ओके जी, चलो। अब यार ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है ये नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल करता ही है। क्यों नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ध्यान दो बेटा, न्यूरल सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था प्लेक्सस, पता नहीं मैंने ड्रॉ किया है नहीं बनाया। आपकी हिस्टोलॉजी में दो तरीके के प्लेक्सस होते हैं, प्लेक्सस आर द ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन। एक होता है मायेंट्रिक प्लेक्सस, मायेंट्रिक प्लेक्सस, दूसरा है मेसनर्स प्लेक्सस, मेसनर्स प्लेक्सस। ठीक है, ये प्लेक्सस माइंट्रिक और मेसनर्स क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स बेटा गैस्ट्रिन, एंटेरोपेप्टिडेज और काइलोसिस्टोकाइनिन, ये चार हॉर्मोन्स हम पढ़ते हैं। सिक्रीटिन ये हम पढ़ते हैं आपके केमिकल कंट्रोल वाले में, तो हॉर्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं विच आर इंपॉर्टेंट। ओके चलो, अब मैं आती हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पे। एब्जॉर्प्शन बड़ा ध्यान देना, प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डब्बा जरूर देख लो यार, एनसीईआरटी का ये डब्बा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ड्रग्स बेटा ऐसे हैं जो माउथ में एब्जॉर्ब होते हैं कार्डियोवैस्कुलर ट्रीटमेंट में, जिनको हार्ट डिजीज होती है उनको डॉक्टर बोलता है कि यार जीभ के नीचे इस ड्रग को रख लो, गोली को रख लो, ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली आपके माउथ से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में बेटा स्टमक का भी रोल है, वाटर है, शुगर्स है और अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ प्रिंसिपल साइट, मेजर न्यूट्रिएंट्स यहीं पर एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है। अब किसकी एब्जॉर्प्शन होती कैसे, हाउ डज इट हैपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दूं। किसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, लिख लो, लिख लो बेटा। हाँ जी, अगर बात करें पानी की एब्जॉर्प्शन की, पानी की एब्जॉर्प्शन पैसिव होती है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की मदद से। देन बेटा ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज बेटा वैसे तो एक्टिव होती है मोस्टली, थोड़ी सी पैसिव होती है बट एक्टिव भी होती है विद सोडियम, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। देन बेटा बात करें गैलेक्टोज की, मेनली एक्टिव ही होती है, एक्टिव ही होती है अगेन सोडियम की मदद के साथ होती है। फ्रक्टोज की बात करें, F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेटा मेरे साथ है। अमाइनो एसिड की बात करें तो यार इनकी जो मोस्टली एक्टिव होती है, मोस्टली एक्टिव एब्जॉर्प्शन लिख रही हूं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में बात करें तो यार इनकी होती है पैसिव, और जब ये एब्जॉर्ब होते हैं तो ऐसे नहीं होते, फैट के अराउंड, फैट के अराउंड प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन। ये काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में फैट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं टू द लिम्फ वेसल जिसका नाम है लैक्टील। देखो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लेकिन जो फैट्स हैं वो पहले काइलोमाइक्रॉन बनाएंगे और फिर लैक्टील में जाएंगे, वह मिल्की सा सोल्यूशन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं काइल, ठीक है, काइल। ओके चलो, तो ये खास बात थी, ये मैंने बता दिया बेटा। फैटी एसिड के लिए काइलोमाइक्रॉन बनेंगे, लिम्फ वेसल में जाएंगे और अल्टीमेटली ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे। ओके जी चलिए, नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। ब्लड बेटा सारी इन अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाएगा सेल्स के पास, सेल्स बेटा इसको यूज कर लेंगे अपनी एक्टिविटीज के लिए। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो किसके पास चला जाएगा, वो किसके पास चला जाएगा बेटा, रेक्टम में बैठ जाएगा। जब तक आप अगले दिन लोटा लेके नहीं जाएंगे तब तक बेटा आपको
यू नो हल्के नहीं हो पाएंगे. द रिमूवल ऑफ फीसेस इज कॉल्ड एज डेफिकेशन और इजेशन. ये जो इजेशन है, ये इजेशन बेटा एनस के द्वारा होगी. किसके द्वारा होती है? एनस के द्वारा. एक मिनट, कहाँ गया? मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वॉलंटरी है, और बेटा उससे सारा जो सामान है भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, चलो आखिरी हिस्सा. आ जाओ बेटा डिसऑर्डर्स के लिए. सब बच्चे आए फटाफट से. लास्ट पार्ट डिसऑर्डर. डिसऑर्डर में से यूजुअली सवाल आता है वन बाय वन. बड़े इंटरेस्टिंग है डिसऑर्डर. पांच डिसऑर्डर अपने पास. पहला है, कुछ बेटा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्शन, लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, इनके इन्फेक्शन से. देन देर इज अ डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया. वो किस वजह से होता है? ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ पाइल पिगमेंट्स. किसके खराब होने की वजह से होता है? लिवर. सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लिवर. अगर बाइल पिगमेंट बन रहे हैं और यूरिन और फेसिस के साथ नहीं बाहर जा रहे हैं तो बॉडी के सेल्स को ही कलर देंगे, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, यानी कि पीलिया. ये देख रहे हो बेटा जॉन्डिस वाला बंदा. बचपन में हर आदमी को पीलिया होता है. बचपन में हर आदमी को पीलिया होता है. नेक्स्ट, ये देखो बेटा, जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमें पहले नौजियाटिक फीलिंग होती है, घबराहट होती है, फिर बेटा रिवर्स पेरिस्टाइलिसिस होती है और सारा का सारा खाना बाहर आ जाता है. इसके जरा ये अलग ही राजू भाई चल रहे हैं. ठीक है, ये अलग ही राजू भाई चल रहे हैं. ये जो वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स सेंटर है ब्रेन में, वो कहाँ है? मेड्यूला में है. स्टमक से बेटा अगर सारा खाना बाहर आ जाए, इसको अपने लोग बोलते हैं वॉमिटिंग. नेक्स्ट, उल्टा, अगर ऊपर की जगह नीचे से बस धाराएं निकल जाएं, उसको बोलते हैं डायरिया. डायरिया यानी कि लूज मोशन. इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज. बहुत ही पतलापन आ जाए और पानी ही पानी निकलता रहे, यानी कि फूड खाया, जो भी खा रहे हो गुड़गुड़ 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 करके नीचे, यानी कि तुम बहुत वीक हो जाओगे क्योंकि जो खाना खाते जा रहे हो बाहर आता जा रहा है. ठीक है, बॉडी में क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन हो जाएगी. ये देख रहे हो इस आदमी को कैसे रो रहा है? वैसा ऐसे ही रोते हुए याद आती है, फिर मम्मी याद आएगी हर काम के लिए. ठीक है, फिर मम्मी याद आती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी. इसको ठीक करने के लिए हम बोलते हैं यार ORS पी ले, इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन देते हैं. ज्यादा ही हो जाए तो ड्रिप भी लगानी पड़ सकती है. ठीक है, तो ये हो गया डायरिया यानी कि लूज मोशन. नेक्स्ट, इसका अलग रोना है, अलग रोना है कब्जी का, दैट इज कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन होता है इररेगुलर मूवमेंट्स जिसकी वजह से जो फीसेज है वो अंदर ही है. ठीक है, रिटेन्ड विद इन द कोलोन, बाहर नहीं आ पा रहे हैं. यार फीसेस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप सलाद खाइए, एक्टिविटी रखिए, पानी पीजिए, बहुत जरूरी है ताकि आपको कब्जी ना हो. ठीक है, फिर हम भगवान से विश करते हैं आज आ जाए, बस आज आ जाए, किसी तरीके से आज आ जाए, है ना. तो गुड़गुड़ी होती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है. अगला आता है बेटा बदहजमी, इनडाइजेशन. ये जो इनडाइजेशन है, बदहजमी कब होती है? बहुत सारे केसेस में होती है. जब डर लगता है बेटा, जब डर लगता है ना तो बाथरूम में पाए जाते हो रोते हुए. ठीक है, एंजाइटी होती है, एंजाइम कम आए, फूड पॉइजनिंग हो गई, बहुत ज़्यादा खा लिया, जो हम शादी खाने पे करते हैं. शादी पे जाते हैं, जन्मदिन पे जाते हैं किसी के, ठीक है, जन्मदिन पे जाते हैं, सब आए, समोसा है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज हैं, केक है, गुलाब जामुन है, सब पेल लिया बेटा. ऐसे पेलते हैं जैसे जिंदगी में कभी समोसे देखे नहीं है. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लोगे, शादी में तुमने स्टार्टर भी खा लिए, खाना भी खा लिया, सरसों के साग से, सरसों का साग वो जो अलग से लगा होता है वो भी खा लिया, चाइनीज काउंटर से तुमने मंचूरियन फ्राइड राइस भी खा लिए, सब खा लिया, तो अगले दिन क्या होगा? कुछ डाइजेस्ट थोड़ा होगा, सब बाहर आ जाएगा. बदहजमी, या फिर बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है? इनडाइजेशन, जिसमें फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता. तुमको ब्लोटिंग फील होता है. ब्लोटिंग यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है. ओके, अब दो डिसऑर्डर बताऊंगी जो कि बेटा प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी से होते हैं, जिनको बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन. ये बेटा थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा गया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, आपको याद रखने. आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम. टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन करा रखा है चैट बॉक्स में. ठीक है, हाँ जी. तो बांग्लादेश में जब लिबरेशन वॉर थी तब हुआ था, इथियोपिया में हुआ था जब बहुत सूखा पड़ गया था, सीवियर ड्रॉट. ठीक है, जब ड्रॉट हो, फेमेन हो, या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो, तब बेटा PEM देखा जाता है. ये जनरली बच्चों को और बहुत छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है. दो तरीके का PEM मैंने बेटा यहाँ पर डिफरेंस करके आपको बता दिया, फोटो भी दिखाई अगर आप यहाँ ध्यान देंगे. मैरास्मस जो है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी से होता है. क्वाशियोर्कर बेटा सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, कैलोरी की डेफिशिएंसी से नहीं होता है. ठीक है, ये जो मैरास्मस है छोटे बच्चों को होता है, लेस देन वन ईयर, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट है, एक साल से छोटा. अगर उसको मदर मिल्क की जगह कुछ यू नो अनहेल्दी फूड मिलने लग जाए तो यार उसको हो जाएगा मैरास्मस. ठीक है,
ये जनरली तब देखा जाता है जब मदर पहला बच्चा इतना छोटा होता है और दूसरी बारी प्रेग्नेंट हो जाती है। यार जब वो दूसरी बारी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। बहुत पतली बॉडी हो जाएगी, बहुत पतली थिन लिम्ब्स दिखाई देंगे, देखो रिब्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत पतला हो जाएगा आदमी। ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आएगा, टिश्यू रिप्लेसमेंट पे भी, ग्रोथ रेट भी कम, मेंटल डेवलपमेंट भी कम, ब्रेन की कॉग्निटिव ग्रोथ भी कम हो जाएगी, स्किन बहुत ड्राई और रिंकल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ तुम क्वाशियोर्कर पे। क्वाशियोर्कर बेटा 1 से 5 साल के बच्चे को होता है। जनरली ये तब होता है जब प्रोटीन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। कैलोरी ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, लेकिन ये तब होता है जब मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय हाई कैलोरी। बच्चे को रोटी देना शुरू कर दो, मिल्क ना दो, दालें ना दो, तो यार तब क्या होगा, कैलोरी तो दे रहे हो लेकिन प्रोटीन नहीं दे रहे, ठीक है, प्रोटीन नहीं दे रहे हो। 1 साल से बड़े बच्चे यानी कि 1 से 5 साल के बीच में होता है, इसमें भी बहुत पतला हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या देखा गया है, इडीमा देखा गया है, स्वेलिंग इन द बॉडी पार्ट्स। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो बेटा, इस बच्चे को इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग इन द बॉडी पार्ट्स, यहां लिख देती हूँ इडीमा, ठीक है। कुछ फैट अभी भी रहता है स्किन के अंदर, ग्रोथ भी इंपैक्ट होगी, ब्रेन डेवलपमेंट भी इंपैक्ट होगा। तो याद रखना है मैरस्मस छोटे बच्चों को जब प्रोटीन और कैलोरी दोनों कम है, क्वाशियोर्कर थोड़े बड़े बच्चे को 1 से 5 साल जब प्रोटीन की कमी है, कैलोरी पूरा है, ठीक है। मोटापा किसमें देखा जाता है, जो नाम बड़ा है, क्वाशियोर्कर का नाम बड़ा है बेटा, मैरस्मस का नाम छोटा है। तो क्वाशियोर्कर में पेट बाहर आता है, पेट बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि बड़ा हेल्दी है, ये पेट बाहर आने का मतलब ये फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, जिसको हम इडीमा बोलते हैं, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। एक और चीज बस मुझे बतानी है, येलो डब्बे बड़े इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द येलो डब्बा दैट इज इंपॉर्टेंट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। इस पे बेटा क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में कि तुमने 1 ग्राम प्रोटीन खाया तो तुम्हें कितनी एनर्जी मिली। तो 2 तरीके की वैल्यूज बेटा यहां पर दी हुई है, ध्यान देना। एक दी हुई है बॉम कैलोरीफिक वैल्यू, बॉम कैलोरीमीटर में ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और एक है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये ग्रॉस है, नीचे याद रखना है, ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल। ग्रॉस वाली वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशन में, बॉम वाली वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू कम होती है। तो मान लो अगर तुम बोल रहे 1 ग्राम तुमने क्या खाया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए, तो बताओ कितनी एनर्जी मिली। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम को तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 ग्राम तुमने प्रोटीन खाया तो कितनी एनर्जी मिली, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। फैट खाया उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये 2 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस केस में ग्रॉस वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे, फिजियोलॉजिकल वाली वैल्यू यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे अभी भेजूंगी। ओके बेटा जी, सो विद दिस वी आर डन विद वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या आज की क्लास बेटा समझ आई सब बच्चों को? यस, क्या आज की क्लास समझ आई बेटा? अगला लेक्चर कब होगा और कहाँ होगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये सारे नोट्स, अमेजिंग नोट्स बेटा, देख रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुली डिपिक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको मिलेंगे, मेरे हाथ के द्वारा बनाए गए, किसी टॉपर के नहीं है, मेरे खुद के, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसकी कॉपी है ही नहीं क्योंकि ओरिजिनल है। नीदर ओजी ओजी और ओपी दोनों नोट्स हैं ये, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, मैं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके साथ अंत तक बनी रहूं, और जो मेरे से बन पा रहा है वो आपको ओजी फॉर्म में, किसी टॉपर का लिया हुआ नहीं बेटा, ओजी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, जो मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना प्रोवाइड करूं। इसका डीपीपी भी मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे। तब तक बेटा सेशन को कर दो लाइक, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एफर्ट, फर्स्ट क्लास ऑन दिस चैनल, तो यार आपका एक कमेंट बहुत मैटर करता है। तो जाएंगे तो एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, एंड मुझे बताइएगा हाउ डिड यू लाइक इट, डिड यू लाइक इट और नॉट, क्या चाहते हैं कल के लिए, क्या टाइम रखें, ठीक है। एंड यस, आई हैव फुल बिलीव इन यू, मुझे पता है तुम लोग करके दिखाओगे, और मैं तुम्हारे साथ बनी रहूंगी जब तक तुम्हें मेडिकल कॉलेज में नहीं छोड़कर आती हूँ तो, ठीक है। मैं आपको बॉटनी भी करवाऊंगी, जूलॉजी भी कराऊंगी, 11th की भी कराऊंगी, 12th की भी कराऊंगी। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड मेरे टेलीग्राम को कर लो ज्वाइन, आपको मेरी सारी सेशंस के लिंक मिलते जाएंगे, ठीक है, सारे सेशंस के लिंक मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। टेलीग्राम मेरे ही नाम से बेटा, सी पाहुजा बायोलॉजी सर्च करो, 1,56,000 से ज़्यादा उसमें बच्चे मिल जाएगा आपको, बहुत फेमस टेलीग्राम है, वन ऑफ द बेस्ट टेलीग्राम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, बाय बाय। एक कमेंट जरूर बनता है, एक लाइक और एक कमेंट बनता है, क्योंकि बेटा इसी चैनल पे आपकी बहुत सारी आने वाली क्लासेस होने वाली हैं। थैंक यू।